देखिए, सबसे पहला काम होता है BNN एस्ट्रोलॉजी में, चार्ट रीड करते समय कॉम्बिनेशंस बनाना। कॉम्बिनेशन पर ऑलरेडी मैंने हमारे बेसिक कोर्स में बात किया हुआ है कि कॉम्बिनेशन कैसे बना। इस पर मैंने दो चार और भी वीडियोस डाले हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हो उसको। राशियों पे भी मैंने बात करी है पूर्व में, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, ठीक है। प्लैनेट्स पे मैंने बात करी है, उस पर भी मैं बात नहीं करूंगा। PDF मैं आपको हो सकता है नेक्स्ट क्लास तक शेयर कर दूंगा, इतना कर दूंगा आपके, ठीक है, कि राशि के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनको मैं शेयर कर दूंगा। हो सकता है आपने बनाया भी होगा। जब भी आप कॉम्बिनेशन बनाते हो, अब ये एडवांस की बात है, बेसिक में भी यूज होगा और एडवांस में भी यूज होगा। जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तो सबसे पहला आपका काम होता है कि ट्राइन्स के कॉम्बिनेशन बनाओ। सबसे पहला आपका जो काम है किसी भी प्लेनेट के विद रिस्पेक्ट टू कॉम्बिनेशन बनाने का मतलब ये है कि ट्राइन्स का कॉम्बिनेशन सबसे पहले आपने बनाना है, मतलब। और आपको उसके पहले क्लियर होना चाहिए कि इस सामने वाले की कुंडली में आपको देखना क्या है, चेक क्या करना। अब जैसे सपोज कोई अपनी हेल्थ के बारे में पता करना चाहता है, टीचिंग स्किल के बारे में पता करना चाहता है, बॉडी के बारे में पता करना चाहता है, फिजिकल अपीयरेंसेस के लिए पता करना चाहता है ना, और अपने बारे में पता करना चाहता है, पर्सनल कोई भी क्वेश्चन है नेटिव के बारे में, वो सारा का सारा क्वेश्चन जुपिटर ही कंडक्ट करता है। उसकी अपनी हेल्थ भी वहीं से देखी जाएगी। बड़े भाई भी मैक्सिमम केसेस में जुपिटर से ही देखे जाते हैं, जो बड़े भाई बहन होते हैं वो भी बृहस्पति ही होते हैं। यही कारण है जो भी लोग बृहस्पति को के टच में आते हैं, कंडक्ट में आते हैं, उन सबको हम सम्मान देते हैं। वो सम्मान देने का पीछे आशय क्या है? गुरुओं को सम्मान दिया जाता है, पैर छुआ जाता है, एल्डर्स के पैर छुए जाते हैं। क्यों छुआ जाता है? ताकि कहीं ना कहीं किसी कारणवश हमारा बृहस्पति अच्छा हो जाए। फॉर्च्यून भी जुपिटर ही है। कोई भी साइंस आप पढ़ोगे, चाहे आप पराशरी पढ़ो, चाहे KP पढ़ो, चाहे लाल किताब पढ़ो, फॉर्च्यून हर साइंस में जुपिटर ही देखता। फॉर्च्यून एक ही प्लेनेट के हाथ में, वो है जुपिटर, बृहस्पति के हाथ, ठीक है। तो जब भी किसी व्यक्ति के बारे में आपको पता करना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो आपको जुपिटर ही देखना पड़ेगा। उसकी हेल्थ, उसकी इनर क्वालिटी, उसका उसके उसका उसका अटैचमेंट कहाँ से है, अटैचमेंट भी वहीं से देखा जाता है। बनती किससे है आपकी सबसे ज्यादा, ये भी क्वेश्चंस होते हैं ना इन जनरल। बाकी जुपिटर के बारे में मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो भी डाला है, यूट्यूब पे भी है और आप लोगों को पता भी होगा, बेसिक के वीडियो में मिला है। जो नए ज्वाइन कर रहे हैं वो टीम से कॉन्टेक्ट करें, जो हमारा पुराना प्राइस था उसी प्राइस में आपको कोर्स मिल जाएगा बेसिक वाला, वो जरूर देख लेना एक बार, आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी उससे। तो जब भी आप देख रहे हो तो सबसे पहला काम होना चाहिए आपका कि जुपिटर बैठा किस राशि में। जब आप देख लोगे किस राशि में बैठा है तो उस व्यक्ति का पूरी की पूरी साइकोलॉजी पता चल जाएगी आप, ठीक है, किस राशि में बैठा है वो आपने पता कर लिया। लेकिन कॉम्बिनेशन बनाते समय क्या करना है कि जहां पे जुपिटर बैठा है तो जुपिटर के साथ में, जुपिटर के ट्राइन में कौन कौन से प्लैनेट हैं जो आ रहे हैं, और उनको सबसे पहले सिंगल सिंगल प्लैनेट पर ही आपको बनाना है कॉम्बिनेशन, कि जस्ट जुपिटर से आगे कौन सा प्लैनेट आ रहा है और जस्ट पीछे जुपिटर से कौन सा प्लैनेट आ रहा है, ठीक है। तो ट्राइन को सबसे पहले पकड़ना है, और ट्राइन के ही इक्वल राशि परिवर्तन भी होता है, जिसको एक्सचेंज बिटवीन साइंस बोलते हैं। जिस प्लैनेट के विद रिस्पेक्ट टू आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है वो एक्सचेंज में बैठा हो। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जैसे ही आप कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हो, आपके माइंड में सबसे पहली जो बात क्लिक करनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि भाई किस प्लेनेट के विद रिस्पेक्ट टू कॉम्बिनेशन बनाना है, और ट्राइन में या एक्सचेंज में कहाँ पे वो कॉम्बिनेशन सबसे पहले मिल रहा है। तो सबसे पहला टास्क क्या है कि ट्राइन में ढूंढो कि जस्ट आगे जस्ट पीछे वाला प्लेनेट कौन सा मिल रहा है। ये काम सबसे पहला है ज्योतिषी का। अगर ट्राइन में नहीं मिल पा रहा है और एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपको सेकंड मेथड पर जाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेवंथ हाउस में पड़े हुए प्लैनेट्स को देखिए।
सेवंथ हाउस में जिस प्लेनेट के विद रिस्पेक्ट टू आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो उसी के सेवंथ में देखना है। अब सपोज किसी का जुपिटर प्रथम भाव में बैठा है एज पर पराशरी ज्योतिष, या एरीज साइन में बैठा है, तो एरीज साइन से सेवंथ साइन होता है तुला, लिब्रा, तो लिब्रा ही सेवंथ होगा, बाकी किसके विद रिस्पेक्ट टू कॉम्बिनेशन बना उनको ध्यान में नहीं देना, ठीक है। जब आपको प्रॉपर ट्राइन में कॉम्बिनेशन ना मिले, ट्राइन्स में जब आपको कॉम्बिनेशन ना मिले, तब सेकेंड स्टेप होती है 2-12 में कॉम्बिनेशन ढूंढना। अब सपोज किसी को ट्राइन में आगे वाला प्लेनेट मिल गया तो फिर आपको 2 पे नहीं जाना है, फिर आपको 12 में ही ढूंढना, क्योंकि पीछे का प्लेनेट अभी आपको नहीं मिला। और अगर ट्राइन में नहीं मिला तो सेकेंड स्टेप है सेवंथ में ढूंढना, तो सेवंथ में भी डिग्रिकली ही जाते हैं। तो ध्यान रखना 3 कंडीशंस हैं, सबसे पहले में ट्राइन इज इक्वल टू या ऑब्लिक एक्सचेंज, यहां पे अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर सेकंड स्टेप है सेवंथ में पड़ा हुआ प्लेनेट। इन तीनों केसेस में डिग्री के विद रिस्पेक्ट टू ही चीजें जाएंगी, जैसी डिग्री होगी वैसे उसकी प्लेसमेंट होगी, वैसे उसका वो बनेगा, वैसे उसका उसकी स्ट्रिंग बनेगी, या वैसे ही उसका जो है वो कॉम्बिनेशन बनेगी, ठीक है। अब अगर आपको ट्राइन में जस्ट आगे पीछे प्लेनेट नहीं मिला, एक्सचेंज में जस्ट आगे पीछे प्लेनेट नहीं मिला, और सेवंथ में जस्ट आगे पीछे प्लेनेट नहीं मिला, तो फिर आपका सेकेंड स्टेप आता है 2-12 में प्लेनेट ढूंढना। जस्ट आगे जस्ट पीछे कौन सा प्लेनेट है, तो जो प्लेनेट नहीं मिला है उसी को ढूंढना है, सबसे पहला काम यही होना है। लास्ट क्लास आते आते जब आपकी 15-20 क्लास हो जाएगी, 25 क्लास हो जाएगी, लगभग 20 क्लास हो जाएगी, मैं जितने प्लैनेट्स के कहोगे उतने कॉम्बिनेशन आपको बता दूंगा। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है 15 क्लास तक सिंगल टू सिंगल प्लैनेट पर ही बात करो केवल, और आपके पास पूरा मौका है, क्योंकि ये मतलब कॉम्बिनेशन पढ़ाने के बाद हम इतने वेरिएशंस में चले जाएंगे, आपको पूरा मौका मिल जाएगा प्रैक्टिस करने। और आप में से बहुत लोग मास्टरी में भी हो तो वहां पे भी मैं भर भर के आपको एग्जांपल सिखा दूंगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज को 50 तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या, जब आपको ट्राइन में नहीं मिला, एक्सचेंज में नहीं मिला, सेवंथ में कॉम्बिनेशन नहीं मिला, तभी आपको 2-12 में स्विच करना, अदरवाइज स्विच नहीं करें। 2-12 में भी नहीं मिला फिर आपको 3-11 में स्विच करना है, और अगर यहां भी नहीं मिला तो फिर राशि को पकड़ लेना, जिस राशि में जो प्लेनेट बैठा है वही उसके, अगर आगे कॉम्बिनेशन नहीं मिला तो आगे की तरह काम करेगा, पीछे नहीं मिला तो पीछे की तरह काम करेगा। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि भैया आपके घर में चीनी की कमी है, चाय पत्ती नहीं है, पहले अपने घर में पता कर लो, बड़ा अगर फैमिली हो, होता है ना कुछ लोग बड़े घर में रह रहे होते हैं, बड़ा घर का मतलब कौन सा, पूरी फैमिली साथ में रह रही, जिसको हम लोग ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। तो अगर एक के घर में चीनी खत्म हो गई तो देवरानी से मांग ले, जेठानी से मांग ले, वहां पूरा नहीं हो पा रहा, इसको बोलते हैं ट्राइन्स। भाई आपकी देवरानी भी है, आपकी जेठानी भी है, आपने पूछा एक बार तुम्हारे पास है क्या, नहीं है, तुम्हारे पास है क्या, नहीं है, फिर क्या मान ले, एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या, कि बनती किससे तुम्हारी सबसे ज्यादा है, अगल बगल में पड़ोस में होता है कोई, उससे एक बार पूछ लो भाई तुमसे तुम्हारे पास है, नहीं है, जस्ट घर के सामने कौन है, सबसे पहले निगाह वहीं जाएगी, उससे पूछ लो, उसके पास भी नहीं है, अगल बगल घर में देख लो वहां भी नहीं है, और अगल बगल देख लो वहां भी नहीं, इसका मतलब भगवान ने ये चीज के लिए आज आपको मौका दिया ही नहीं है। फिर क्या कहते हैं कि चार घर घूमने के बाद भी भिक्षा का भी एक क्रम है, जब आप संन्यास लेते हो ना तो वहां बोलते हैं भाई 3 घर से ही भिक्षा मांगनी है, 3 घर में भिक्षा नहीं मिले तो फिर चौथे घर में नहीं जाना, उस दिन भगवान का हाथ जोड़ के बैठ जाना है, मंत्र जप करना है, फिर भिक्षा मांगने नहीं जाओगे, ये संन्यास धर्म की परंपरा है। तो जिस संन्यासियों ने इतनी बड़ी साइंस को बनाया है तो उन्होंने भी ये परंपरा इसमें डाल दी, क्या बोले, ट्राइंस में ढूंढ लो, नहीं मिल रहा एक्सचेंज में ढूंढ लो, नहीं मिल रहा सेवंथ में ढूंढ लो, नहीं मिल रहा 2-12 में ढूंढ लो, नहीं मिल रहा 3-11 में ढूंढ लो, नहीं मिल रहा राशियों को पकड़ लो, नहीं मिल रहा अब कुछ मत करो, चुपचाप बैठ जाओ, अब कॉम्बिनेशन नहीं बनाने, इसका मतलब उस प्लेनेट का कॉम्बिनेशन विधाता ही नहीं बना के नहीं भेजा, बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो पहला काम एस्ट्रोलॉजर्स का यही होता है, सबसे पहला काम कॉम्बिनेशन बनाना होगा। दूसरी बात क्या है कॉम्बिनेशन, देखो बहुत चीजों को जितना आप माइन्यूट तक समझने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, ज्योतिष को जितना आप थ्योरेटिकल पकड़ने की कोशिश करोगे ज्योतिष आपकी पहुंच से बाहर चली जाएगी, जितना आप इसको बेस टू बेस पढ़ोगे और हर क्लास को उतनी सीरियसनेस के साथ पढ़ोगे जितना आपने अभी तक सब कुछ पढ़ा है,
आप ये समझ लीजिए आपके हाथ से कुछ छूटेगा नहीं। तो रूल नंबर टू क्या है, जब आपने कॉम्बिनेशन बनाया तो उस कॉम्बिनेशन को बनाते ही एक प्लेनेट उसके पीछे आएगा, एक प्लेनेट उसके आगे आएगा। पीछे वाले प्लेनेट को मैंने बता दिया वो उस लड़की की तरह है जो आप पर वैसे ही फ्लैट हुआ घूम रहा है, उस लड़की की तरह है जो आप पर फ्लैट हुई घूम रही है, आपको केवल एक बार उसको तकना है, प्यारी सी स्माइल देनी है, वो चीज आपके हाथ में आ गई। और जो प्लेनेट जस्ट आगे होता है वो उस लड़की की तरह है जो बहुत एटीट्यूड वाली है, उसको परखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, रिझाना पड़ेगा, जिम करना पड़ेगा, जो उसकी इच्छा है जब तक वो पूरी नहीं कर दोगे तब तक वो आपकी झोली में गिरेगी ही नहीं। नहीं समझ आई? किसी के सैटर्न के पीछे मार्स है तो पैदा ही हुआ है वो मंगल की पॉजिटिव एनर्जी लेके, पैदा हो गया, उसके पास मार्केटिंग स्किल गॉड गिफ्टेड है। मार्केटिंग स्किल होता है ना मंगल, उसके अंदर मार्केटिंग स्किल गॉड गिफ्टेड है, एनर्जी लेवल गॉड गिफ्टेड है, कॉन्फिडेंट लेवल गॉड गिफ्टेड है, बस उसको जस्ट एक बार अवेयर होना है। बात समझ आ गई? फिटनेस भी कहीं ना कहीं मार्स होता है, गॉड गिफ्टेड है, एनर्जी भी मार्स है, गॉड गिफ्टेड है, एक्शन भी मार्स है, गॉड गिफ्टेड है। आपका मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन है तो मंगल की एनर्जी लेके पैदा हुए हो, करना कुछ नहीं है, केवल अवेयर होना है, केवल कहीं सुनना है। जैसे हनुमान जी के पास उन्होंने मोटिवेशन सुना केवल जामवंत से, राम काज लगी तो तारा सुनते ही भवो भयो पर्वताकारा। बात समझ आ रही है? गॉड गिफ्टेड है, वो काबिलियत लेके पैदा हुए हो, केवल अवेयर होना है। लेकिन जब सैटर्न के आगे मार्स है, अब गॉड गिफ्टेड नहीं है, अब इसको अन करना है, अब आपको अपने फिजिक पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग पे भी अपने धंधे को चलाने के लिए ध्यान देना पड़ेगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंट डेवलप भी करना पड़ेगा, आपको एक्शन ओरिएंटेड भी होना पड़ेगा, आपको एनर्जाइज्ड भी होना पड़ेगा, आपको चार्ज्ड भी रखना पड़ेगा, आपको मोटिवेटेड भी रहना पड़ेगा। और अगर इनमें से एक भी चीज आपके हाथ से छूटेगी, करियर उतना अच्छा नहीं चलेगा जितना चल सके। नहीं समझ आया? अभी दूसरे एग्जांपल लेते, सैटर्न के जस्ट पीछे वीनस है, फाइनेंस स्किल लेके पैदा हुए हो, फाइनेंस मैनेजमेंट लेके पैदा हुए हो, करने से पहले कमाना आता है, जो करोगे कंफर्ट के साथ करोगे, कंफर्टेबिलिटी भी लेके पैदा हुए हो, परफेक्शन लेके पैदा हुए हो, कोई भी काम करोगे परफेक्शन आ ही जाएगा अपने आप। उसके लिए आपको अन नहीं करना है। फीमेल अट्रैक्शन लेके पैदा हुए हो, वीनस इज फीमेल फॉर मेल, वो लेके पैदा हुए हो, वीनस इज लव ऑल्सो। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जिस भी प्लेनेट के आगे पीछे वीनस आ जाए उस चीज से प्रेम करने लग जाओ, वो चीज अपने आप आपको मिल जाएगी। सैटर्न के आगे वीनस आ जाए, अपने करियर से प्रेम करने लग जाओ। मार्स के आगे वीनस आ जाए, भाई से प्रेम करने लग जाओ, अपने फिजिक से प्रेम करने लग जाओ। लोग शीशे पर खड़े होकर देखते हैं, आ कितना अच्छा लग रहा हूं मैं, मेरे डोले कितने बन गए, मेरे बाइसेप्स कितने बन गए, अपने शरीर को देख के प्रीज कर रहा है, खुश है, भाई को देख करके प्रसन्न है, उसको प्रेम दे रहा, हो गया आपका मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन यूटिलाइज। तो कहने का मतलब क्या है, जिस भी प्लेनेट के पीछे, एक बात समझ लेना मोटी मोटी, जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं बता रहा हूं किताब में नहीं मिलने वाली, किताब में तो जो मिलेगी वो भी बता देंगे आपको भी आगे की क्लासेस। तो जो प्लेनेट के पीछे कोई प्लेनेट होता है वो लेके पैदा होते हो, जो प्लेनेट के आगे कोई प्लेनेट होता है उसको पैदा करना पड़ता है, वो एक बच्चे की तरह है, पैदा करो, पालो, पोसो, बड़ा करो, तब उसका लाभ आप अपने जीवन में लोगे। नहीं समझ आ रहा? नेक्स्ट एग्जांपल लेते, सैटर्न मर्करी सैटर्न का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में, और एक के चार्ट में सैटर्न मर्करी का कॉम्बिनेशन, एक के चार्ट में सैटर्न मर्करी का कॉम्बिनेशन है और एक के चार्ट में मर्करी सैटर्न का कॉम्बिनेशन, डिफरेंट हो गया, एक के पीछे शनि है एक के आगे शनि है। समझा रहा हूं केवल, पीडीएफ भी दे दूंगा, बता भी दूंगा, बस समझो केवल, जब तक बुद्धि में नहीं जाएगा, सबकॉन्शियस ब्रेन में नहीं जाएगा, हाथ कुछ नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसको धंधा करने से पहले शनि की सारी चीजें पता है, जिसका मर्करी के पीछे शनि है, और 50 चीजें आपको चिपका भी देना, लेकिन क्लाइंट का भला इससे नहीं होता है, 50 प्रेडिक्शंस करने से नहीं होता, लाइफ मैनेजमेंट देने से। तो जिसका मर्करी के पीछे सैटर्न होगा वो टाइम पे दुकान भी खोलेगा, टाइम पंचुअलिटी उसको आती होगी, सर्विस देना वो जानता होगा,
मेहनत करना वो जानता होगा, हार्डवर्क करना वो जानता होगा, टाइम पंचुअलिटी उसके हाथ में होगी, टाइम मैनेजमेंट उसके हाथ में होगा, सर्विसेज उसकी बेटर होंगी, जन्म से ये गुण है उसके पास, उसको केवल अवेयर होना है। कोई एक वीडियो देख ले, किसी को कहता हुआ सुन ले, आ गया गुण उसके अंदर। लेकिन अगर मरकरी के आगे सैटर्न है, वो चाह कर भी अपनी दुकान टाइम पे नहीं खोल पाएगा, कभी 11 बजे खुलेगी, कभी 11:30 बजे खुलेगी, कभी 12:15 बजे खुलेगी, कभी 12:15 बजे खुलेगी। अब उसको पर डे इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, अपना सबसे पहले शनि सही करना। और ये शनि ऐसे सही नहीं होगा, अवेयर होने से सही नहीं होगा, इसके पीछे पड़ना पड़ेगा उस लड़की की तरह जो आपको देख कर ही भाग रही है। वही बोला था ना मैंने, अब इसके पीछे, अब अगर मरकरी बिजनेस सही करना है तो सैटर्न को पकड़ना पड़ेगा सबसे पहले। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सीखिए, सबसे पहले टाइम पंचुअल होना चालू करिए, सबसे पहले ईमानदार होना चालू करिए, सबसे पहले हार्ड वर्क होना चालू करिए, सबसे पहले अपनी सर्विसेज को बेटर करिए, आपका क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रेट लेके आइए, तब आपका बिजनेस रन करने लायक बनेगा। इसीलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, और यही करना भी चाहिए, एक प्लेनेट के जब आप गुण उठाते हो तो दूसरे प्लेनेट का प्रोडक्ट उठाना पड़ता। जस्ट आगे पीछे के प्लेनेट का जानते हो क्या सिलसिला है? क्या सिलसिला है? नहीं समझ आएगा। जस्ट आगे पीछे के प्लेनेट का मतलब क्या है? चुन आप आगे वाले को भी सकते हो, चुन आप पीछे वाले को सकते हो, लेकिन आगे वाले को अगर आप करियर चुन लेते हो तो पीछे वाले की एनर्जी तो ऑलरेडी आपके पास है, तो उधर से आपने उसको यूटिलाइज कर लिया, इधर आपने एनर्जी को इम्प्लीमेंट कर दिया अपने उस पर्टिकुलर प्रोफेशन। इसीलिए एक जगह पे आपको इनर स्ट्रेंथ पकड़नी पड़ती है और एक जगह मेटलिस्टिक चीजें पकड़नी पड़ती हैं, जब भी ये दो कॉम्बिनेशन साथ में बनते। बात समझ आ गई? अब आप में से कोई अपना कॉम्बिनेशन मैसेज करो मेरे को, फिर मैं उस पर बताऊंगा, या हैंड रेस करो। चलो यातिका से पूछ लेते हैं। यातिका माइक ऑन करो, फोन बताइए। जी सर, आपके चार्ट में कौन से प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है सैटर्न के विद रिस्पेक्ट टू, बताइए। सर सैटर्न फर्स्ट हाउस में एंड राहु फोर्थ हाउस में, तो ये कोई कॉम्बिनेशन बने ही नहीं, एक्सचेंज तो होगा नहीं। कॉम्बिनेशन जिसको पता हो वो बताएं, ठीक है यातिका? अभी आपको मैं ऐसे ही करूँगा, ठीक है? जिसको कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बनाने आते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बोलेगा, ठीक है? पूजा जी बोलिए कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बोलिए। हाँ सर, मेरा सैटर्न रेट्रोग्रेड है और उसके पीछे है मार्स, उसके आगे है मून और राहु। नहीं तो रेट्रो तो होगा तो मून तो मंगल आगे हो जाएगा। हाँ जी सर, मून राहु पीछे हो जाएगा और मंगल आगे हो जाएगा, मून राहु मार्स का। इस पे भी अभी इस पे भी बात कर लेंगे, रेट्रो को कैसे लेते हैं, ठीक है? तो आपका कॉम्बिनेशन हो गया मून सैटर्न मार्स, है ना? यस सर। आपको सब कॉन्सियस माइंड या मून वाली जो चीजें हैं वो पहले ही आपको मिल गया। जन्म लेते ही आपने अपना घर छोड़ दिया था या ग्रह परिवर्तन हो गया था, कुछ ऐसा कुछ हुआ था? नहीं सर, घर तो नहीं परिवर्तन हुआ था, लेकिन हाँ ये शायद जो सबकॉन्शियस जो इंट्यूशन है वो शायद मेरे पास बचपन, इंट्यूशन गॉड गिफ्टेड है ये कह सकते हैं। हाँ जी सर। इसके लिए आपको कोई मेडिटेशन नहीं करना पड़ा होगा, इसके लिए आपको कोई साधना नहीं करनी पड़ी होगी, जस्ट है आपके अंदर, वैसे ही आपको इंट्यूशन आ जाते हैं क्लियर में क्या करना है, ठीक है? हाँ ये अब पता अब चला है सर, बट हाँ ये मुझे पहले से हो जाता है इंट्यूशन। यस, तो ये आपका क्या हो गया, गॉड गिफ्ट क्वालिटी। ये क्यों हो गया? क्योंकि करियर में सैटर्न के जस्ट पीछे मून है, ठीक है? अब इसमें ये भी होता है, सपोज सैटर्न के पहले मून है तो हम लोग क्या कहते हैं, जब भी सैटर्न के आगे मून होता है हम लोग क्या बोलते हैं, भाई ग्रह परिवर्तन कर दो अपना, एक जगह एक स्थान पे जहां पे आपने जन्म लिया वहां पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो डेस्टिनी एक काम और भी करती है, बहुत सारे लोगों के चार्ट में आपको एक कॉम्बिनेशन मिलेगा जिसका मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन होगा, वो जन्म के साल, 2 साल 3 साल बाद, ये कंफर्म कॉम्बिनेशन अभी आपको आगे बता दूंगा कि कैसे अप्लीकेबल होता है, 2 साल 3 साल बाद व्यक्ति का खुद ही घर परिवर्तन हो जाता है, माँ बाप बदल देते हैं घर, ठीक है? आप में से किसी का हो तो बताएं। तो आपका वैसे ही प्रोफेशन बाहर हो गया, है ना? दूसरी बात, अब मार्स वाली जो चीजें हैं,
तो अब सैटर्न के आगे मार्स है, तो आप जॉब करते हो, जॉब वॉब करते हो कुछ आप? पूजा जी माइक ऑन करो अपनी। जॉब सर, सर मून शनि का सर आप पूछ रहे थे, तो हाँ मेरी डॉटर का है और वो उसके बर्थ के इमीडिएट बाद उसकी प्लेस चेंज हुई थी। क्या हुआ था? ये डॉटर का चार्ट में कॉम्बिनेशन है? नहीं नहीं सर, ये तो मेरे चार्ट का है, बट हाँ मून शनि का एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन दोनों इकट्ठे बैठे हैं, वो उसका बर्थ प्लेस चेंज हुआ था इमीडिएट बर्थ के बाद, हो गया था ना? तो वो मैं, हाँ ये सब वो मैं आपकी कंफर्म ही कर रही थी आपकी चीज को। और जॉब सर वो तो मैंने बहुत टाइम से छोड़ दी, बट हाँ मैं अपनी टीचिंग घर से ही परस्यू करती हूँ। मेरे को ये बताओ, जो आप जॉब कर रहे थे उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाते होंगे आपके यूजली स्टाफ के साथ में, लड़ाई झगड़ा हो जाता, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे? नहीं सर, सर लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता था कभी भी, लेकिन जॉब वैसे ही कोई ना कोई रीजन क्रिएट हो जाता था कि मैं जॉब छोड़ देती थी, बट कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, कोई और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी उसमें? जॉब क्या करते थे आप पूजा जी? टीचिंग में सर मैं टीचर थी, तो किस किस जैसे सब्जेक्ट की एक टीचर थी? मैथ्स में सर, मैंने एमएससी मैथ्स किया हुआ। तो इसमें फिजिक्स फिजिक्स भी पढ़ाती थी? हाँ सर, फिजिक्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। हाँ, तो वो मार्स के टच में आ जाता कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, ठीक है? तो वहां पे वो डायरेक्ट यूटिलाइज हो जा रहा था सैटर्न मार्स आपका, ठीक है? और अगर ऐसा ना होता तो वर्किंग प्लेस में लड़ाई भी होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती है, तो आपने इस पे काम भी किया होगा कि मैं जहां काम करने जाऊं वहां पे एनर्जाइज रहूं, एक्शन ओरिएंटेड रहूं, ऐसा आप करते थे कुछ उसकी एक्सरसाइज वगैरह पहले से या बाद में? आपने मंगल पर काम किया होगा? हाँ वैसे तो मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मतलब वो काम मेरा बहुत रहता है, और हाँ कभी ये जरूर होता था कि सामने वाले से कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती थी कि मैं फिर वहां पे जॉब कर ही नहीं पाती थी, मतलब मैंने कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया बट मैंने चुपचाप से जॉब छोड़ दी, बट कहीं ना कहीं अंदर तो एग्रेशन आ ही जाता है, अंदर तो रहता ही है, अपने आप रिएक्ट ना करो। हाँ, गुस्सा गुस्सा मतलब एनर्जी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी था आपके लिए, ये मैं कह रहा हूँ। और आगे भी अगर आपको काम करना है तो मंगल पे काम करना पड़ेगा। मंगल को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? या तो मंगल से डायरेक्ट प्रोफेशन में आ जाओ, ठीक है, और या तो अपने चीजों को लेकर के, करियर में लेकर के, मार्स से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज या मंगल से संबंधित कुछ ना कुछ चीजें ऐड आपको करनी पड़ेगी, उसकी हम बाद में बात करेंगे या आप एस्ट्रोलॉजी में उसको कहेंगे, बट ये मोटिवेशन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आ जाए, ठीक है? तो सर वो तो अब जैसे मैं मैथ्स की पढ़ाती हूं, हर कदम पे पड़ेगी करियर में अपग्रेड होने के लिए, करेक्ट? समझ आ रही बात? यस। तो कहने का मतलब क्या, जब भी आपका कोई चार्ट का कॉम्बिनेशन होता है तो ये चीजें होती हैं। श्वेता जी बोलिए, क्या कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में? सर मेरा जुपिटर सैटर्न और मार्स। जुपिटर सैटर्न मार्स, तो आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है या मार्स से रिलेटेड प्रोफेशन? नहीं सर, मार्स से रिलेटेड है मेरी, मैं स्कूल चलाती हूँ तो कभी स्टाफ के साथ कभी पेरेंट्स के साथ भी हो जाता है, जो आप कह रहे हो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं ना, तो आपको किस चीज पे, अगर आपको बहुत अपना करियर सर्विसेज बेटर करनी, कुछ करना है, किस चीज पे काम करना पड़ेगा? मंगल को मैनेज करना पड़ेगा। उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? एक्सरसाइजेस करके। उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? एनर्जी को, जो एक्सेशन में आपके बॉडी में एनर्जी पड़ी है उसको किसी भी तरह से बाहर करिए। एग्रेशन आ जाता है। हाँ, तो वो एग्रेशन की वजह से उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जितना आप कर सकते। और आपने जब बिजनेस अपना स्टार्ट किया, बिजनेस ही है आपका अपना खुद का, तो आपको मार्केटिंग सीखनी पड़ी होगी स्टार्टिंग में। शुरू शुरू में सर बहुत ज्यादा परेशान, मतलब मेरे पास जल्दी यूजली क्लाइंट आते नहीं होंगे, है ना? या एडमिशंस नहीं आते होंगे। आपने उसको लर्न किया, एग्जीक्यूट किया, फिर धीरे धीरे इंप्लीमेंट किए, फिर धंधा आपका बढ़ा। और अब अपने जितना भी विसिनिटी है मैं उसमें बेस्ट अपना स्कूल चला रही हूँ, लेकिन 3-4 साल मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है, मतलब उसके बाद जो फोकस के साथ अब आई एम डूइंग वेरी गुड अपनी विसिनिटी। ना श्वेता जी, जब कोई भी प्लेनेट पीछे पड़ा होता है ना, तो आप फर्स्ट डे से उसके मास्टर होते हो। जैसे जुपिटर है, जुपिटर मैनेजमेंट को रिप्रेजेंटेट करता है, तो सैटर्न से पहले जुपिटर भी है, तो मैनेजमेंट आप एक नंबर के हो। किससे क्या काम करवाना है वो काबिलियत तो उसको पता होती है, इसीलिए बोलते हैं भाई जिसका सैटर्न के आगे पीछे है वो एमबीए कर ले। क्यों? क्योंकि उसके पास मैनेजमेंट स्किल अच्छी है, किससे क्या काम लेना है, कैसे करवाना है, ये तरीका पता होता है जुपिटर सैटर्न वाले को, ठीक है? अब उसके आगे मार्स हो गया, और इसके ये पंगा क्रिएट करेगा मेन। क्या करेगा? मैनेजमेंट अच्छा आता है, पढ़ा आप अच्छा लेते हो, जुपिटर आपका अच्छा, लोगों से कनेक्ट भी, और लोग ढूंढते हुए आएंगे आपको श्वेता जी, ये भी होगा।
ठीक है, और किसी एक चीज के चक्कर में 50 चीजें और चिपकाना जानते हैं ये लोग, कि पैसा कैसे दूसरे की जेब से निकलवाना ये भी पता होता है ऐसे लोगों, तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरा, लेकिन अपने को अपग्रेड करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ा होगा, एक टाइम पे बहुत एफर्ट्स करने पड़े होंगे, तो आप ऐसी जगह बैठे हो कि लोग आपका नाम लेके आ रहे हैं आपके पास। बात समझ आ रही है, मोटी मोटी बात समझ आई क्या? जब आगे पड़ा हुआ प्लेनेट के लिए आपको ऐसे बाहें मोड़ना पड़ता है और उसके पीछे पड़ना पड़ता है, तब वो रिजल्ट देने के काबिल बनता है। लेकिन आपको मैनेजमेंट स्किल के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। नहीं सर, वो तो वो अंदर है। करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी, कमाने का तरीका ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी, खुद को एलोबरेट करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। बल्कि मैं आपको ये भी बोलूंगा कि जो स्कूल आप चला रहे हो उसी से रिलेटेड दो चार तरह की कैटेगरियां और बिल्ड करो, कि ट्वेल्थ आपके यहाँ अगर बंदा करे तो आपके पास डिग्री कॉलेजेस भी होने चाहिए, कि आप ही के कॉलेज में डिग्री भी ले ले। बात समझ रहा हूँ। अगर कोई प्रेप स्कूल में जा रहा है तो प्रेप भी आप ही चला दो, कि भाई पैरा मेले पहले यहाँ से लो फिर यहाँ पे आ जाओ, और इसी में दो तीन वेरिएशन और आप ऐड कर दो। जैसे एक होता है कि जैसे आप अगर आप ओप्पो वीवो है ना रियलमी को देखते हो, तो ये पूरा का पूरा एक ही सेगमेंट है, एक ही कंपनी ऑन करती है इसको। अब समझ लो जुपिटर कैसे काम करता है, ये एक ही कंपनी ऑन करती है ना। ओप्पो भी वही चला रही है, वीवो भी वही चला रही है, रियलमी भी वही चला रही है ना। आप वन प्लस लेते हो उसी की भी वही कंपनी, IQ7 करके कंपनी है वो भी उसी की कंपनी। लेकिन कस्टमर के हिसाब से उसने अपने सेगमेंट बढ़ा दिए, जो जिसको चीप एंड बेस्ट लेना है वो रियलमी की तरफ जाता है, जिसको कैमरा ओरिएंटेड फोन लेना है वो वीवो की तरफ चला जाता है, जिसको और फंक्शनैलिटी चाहिए वो ओप्पो की तरफ जाता है, जिसको प्रीमियम सेगमेंट में आना है वो वन प्लस की तरफ चला जाता है। तो कैटेगरी वाइज कर दिया है, जैसे हुंडई और किया एक ही कंपनी है, पेरेंटल कंपनी है, तो जिसको सस्ते में बढ़िया चाहिए वो किया की तरफ चला जाता है, जिसको जिसको जेब अपनी थोड़ी ढीली करनी है और थोड़ा लग्जरी टच चाहिए और थोड़ा ब्रांडिंग चाहिए वो हुंडई की तरफ चला जाता है। एक ब्रांड नहीं, बहुत ब्रांड्स ऐसा करते हैं। प्यूमा ने भी अभी किया, 81 करके एक अलग कंपनी लॉन्च कर दी, और कुछ करके अलग कंपनी लॉन्च कर दी है ना। BMW, ऑडी, मर्सिडीज, स्कॉडा, Volkswagen, ये सब एक ही कंपनियां हैं। कस्टमर के हिसाब से अलग अलग सेगमेंट में चीजें लॉन्च करी। मर्करी जुपिटर का कॉम्बिनेशन रतन टाटा जी के चार्ट में, और वो भी सेगमेंट वाइज खेलते हैं। टाटा उनका चीप सेगमेंट है और उनका लैंड रोवर जगवार हाई सेगमेंट है। बात समझ रहे हो। टाइटन अगर उनकी वॉचेस को ही आप कैलकुलेट करोगे तो टाइटन है, फास्ट ट्रैक है, और ऐसी महंगी महंगी वॉचेस भी टाइटन के लिस्ट में आती हैं जिसको वो सेल करते हैं। इसीलिए जब भी जुपिटर का टच किसी के चार्ट में आए, किसी भी चीज के विद रिस्पेक्ट हो, आपको क्या करना है, सेगमेंट्स बढ़ाते जाने हैं अपने क्लाइंट के विद रिस्पेक्ट हो। मान लो आपने नॉर्मल फीस रखी है, बट प्रीमियम वाले भी आपसे जुड़ेंगे, लेकिन प्रीमियम वाले नॉर्मल वाले में एडमिशन नहीं कराएंगे, और आपने प्रीमियम रख दिया तो नॉर्मल वाले कहां जाएंगे। तो ऐसा सेगमेंट बिल्ड करना पड़ता है जिनको भी जुपिटर के पूरे रिजल्ट्स लेने होंगे। अब ये मोटा मोटा मैंने बता दिया आपको, ठीक है, एक आपका काउंसलिंग भी कर दी मैंने। कहने का मतलब क्या है, जब आप पैदा हुए हो तो जुपिटर का गुण लेके पैदा हुए हो, फर्स्ट डे से आप लोगों को अट्रैक्ट करना जानते हो, आप लोगों से काम लेना जानते हो, फर्स्ट डे से जिस दिन पैदा हुए हो, उस दिन भी निप्पल आपको कैसे मांगना है वो आइडिया आपको भगवान ने दे दिया था, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं जिनका भी जन्म से ऐसा अगर हो गया, तो आपको क्लाइंट ढूंढ, आपको बताऊं क्लाइंट ढूंढने की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन सर्वेंट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सर्वेंट्स बहुत फेथ करेंगे, बहुत प्रेम भी करेंगे आपसे, आपको छोड़ के भी नहीं जाएगा, ये भी एक प्रेडिक्शन आएगी, है ऐसा श्वेता जी? स्टाफ की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, जो जुड़ेगा वो जिंदगी भर जुड़ा रहेगा, है ना। नहीं मतलब सर होता है लंबे, लेकिन आजकल की जैसे अगर वो बात दूसरी है, मार्स को आप यूटिलाइज कितना नहीं कर पा रहे वो बात दूसरी है, कि आप झुल्ला गए तो उसका दिमाग खराब हो गया वो बात दूसरी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो बात यह है कि जुपिटर की एनर्जी लेके आप पैदा हुए थे अपने करियर में, लेकिन मार्स की एनर्जी के लिए आपको आज भी काम करना पड़ता है। बात समझ गई। तो पीछे पड़े हुए प्लेनेट को मनाने की जरूरत नहीं है, आगे पड़े हुए प्लेनेट को पटाने की जरूरत है। उसको पटाना आ जाएगा ना तो काम हो जाएगा। हाथ धो के पीछे जब तक नहीं पड़ोगे तब तक वो प्लेनेट आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा ही नहीं, ठीक है। एक लोगों का और एग्जांपल ले लेंगे, ये केवल क्लियर करने के लिए, आगे पीछे पड़े हुए प्लेनेट रिजल्ट्स कहते देते हैं। मधु जैन जी बताइए, आपका कोई कॉम्बिनेशन बताइए माइक ऑन करके। जय श्री राम गुरु जी। मेरे बेटे का है, पीछे राशि है उसके, मिथुन राशि, ठीक है।
और आगे में मंगल पड़ता है। सेम आ गया। जेमिनाई के एट्रीब्यूट्स क्या है? कॉन्फिडेंट होगा, है ना, कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होगी, अट्रैक्टिव होगा, जो बोलेगा आदमी मतलब थोड़ा अटेंशन ग्रैब कर लेगा, या वही प्रोफेशन होगा उसका। और आगे मार्स आ गया, तो ये मैनेजमेंट उसको भी नहीं आता होगा, या उसके लिए उसने कोशिश करी होगी। है मार्स दिक्कत करता है जी, मतलब एक्सरसाइजेस वगैरह कुछ काम उसके यूटिलाइजेशन झगड़ा कर लेता होगा यूजली। चिड़चिड़ा है, मतलब गुस्सा नहीं करता, चिड़चिड़ा बहुत है। वो आ गया, तो काम कहाँ पे करना? मंगल पे काम करना, कंटिन्यू मोटिवेटेड रहना। ऐसे लोग तब तक फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं जिनका सैटर्न के आगे मार्स आता है, अपने काम को लेकर थोड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो मॉर्निंग हो गई, हार्ड वर्क हो गया, घूमना फिरना हो गया। तो मैं ऐसा कभी कभी बोल देता हूँ, सिटिंग काम नहीं करना चाहिए जिनका भी जुपिटर के आगे मार्स आ रहा हो। ऐसे लोगों को जितना ये फील्ड वर्क करेंगे उतना इनके लिए बेस्ट है। तो जितने आपके पैर घिसेंगे उतना आपके लिए बेस्ट है। अब जैसे श्वेता जी के लिए अगर मैं बात करूं तो मार्स ऑनलाइन सेगमेंट भी है, टेक्नोलॉजी भी है, है ना। तो अगर कुछ ऐसा कुछ आ रहा है मार्स के आगे पीछे मरकरी, तो इसकी तरफ भी आप काम कर सकते हो, एडुटेक की तरफ भी आप जा सकते हो। तो टेक्नोलॉजी डाल दो वहां पे जहां पे मार्स आए, जहां पे मार्स है एनर्जी डाल दो, जहां पे मार्स है मोटिवेशन डाल दो। वीनस के आगे मार्स हो, बंदा पैसे ही नहीं कमा पाएगा, उससे बोल दो भाई मोटिवेशन वाले वीडियो देखो जो पैसे कमाए हैं जिन्होंने, है ना, तो उसको दिखाओ। स्कैम 1997 करके कुछ आया था एक सीरीज, है ना, जिसमें तो आग लगा दे कोई ऐसा बंदा जिसने खूब पैसा कमाया हो, उससे मोटिवेशन ले लो जाके। बात समझ गए? तो आपको कंटिन्यू मोटिवेशन लेना है, आएगा नहीं कोई देने, आपको ढूंढना है, आपको प्रपोज करना है, आपने पटाना है उस प्लेनेट को, वो पटने के लिए रेडी ही नहीं है, हाथ पैर धो के पीछे पड़ना है उसको। और जो प्यार में सक्सेस हुए हो उनको तो बहुत अच्छे से आता है तो उसके पीछे पड़ जाओ, वो प्लेनेट अपने आप रिजल्ट दे देगा, आपके हाथ में सब कुछ रख देगा। समझ गया बात? मोटी मोटी बात। अब हम आएंगे आगे प्रेडिक्शंस पे। अभी मीनाक्षी जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं? कोई कॉम्बिनेशन एक बोलिए, बाकी लोवर कर लीजिए हैंड, मेरे को समझाना था और बाकी बता देंगे सबको। मास्टरी कोर्स में हो गए सभी लोग उसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे अभी। जी सर, टॉपिक यही रह जाएगा। बोलिए बोलिए बोलिए। कॉम्बिनेशन सर, कॉम्बिनेशन है शनि के साथ राहु, शनि के चंद्रमा। शनि के साथ, शनि के पीछे है राहु जी, और शनि के आगे है चंद्रमा जी। बेटी का चार्ट है ये? बेटी का। बेटी बाहर रह रही है जॉब करने के लिए या घर पे ही है? बाहर है, योगा ट्रेनर है वो। स्थान परिवर्तन हो गया है ना उनका? जी हो चुका। तो हो गया, सैटर्न मून यूटिलाइज हो गया, लेकिन जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़े होगी आपको भी उसको भी। इजीली गए हैं? नहीं, मशक्कत करनी पड़ी। यस, आ गया मून सैटर्न के आगे, मून पीछे होता तो ऑफर ही आ जाता। बात समझ आ रही होगी? मोटी मोटी मैं बताना क्या चाह, पीछे वाला प्लेनेट आपके पीछे पड़ा है। अब आपके पास ऑफर लेटर आते ही रहेंगे, आते रहेंगे, आप कहोगे मेरे को ज्वाइन नहीं करना। सैटर्न के पीछे सन है, तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो 4-5 लेटर आपके पास पड़े होंगे घर में। इस लेवल की एनर्जी होती है ऐसे लोगों के पास, लेकिन सैटर्न के आगे सन आ जाए तो फिर आपको उस लेटर के लिए चप्पल तक घिसनी पड़ सकती है, और बिना अपने को काबिल बनाए वो मिलेगा ही नहीं आपको। तो पीछे पड़ा हुआ प्लेनेट आपको सब कुछ देने के लिए बैठा है, बस आपको अवेयर होना है। आगे पड़ा हुआ प्लेनेट, इसीलिए बड़ी रेमेडी बताएं, हमेशा कोई प्रोफेशन चूज करना हो, हमेशा कोई एजुकेशन चूज करना हो, हमेशा कोई अर्निंग रिसोर्सेस चूज करना हो, कोई भी चीज आपको चूज करना हो, सबसे पहले आगे वाले प्लेनेट को यूटिलाइज करो। मर्करी सन है, मेडिसिन की एजुकेशन गेन करिए, पॉलिटिक्स पढ़िए, मर्करी सन, मर्करी सन बिजनेस करिए। अब देखो एक अडानी ग्रुप है, सरकार खुद उसको ऑफर कर देती है कि भाई हमारी ये माइनिंग जो है हम इसको लीज पे देना चाहते हैं, और एक के चार्ट में मर्करी सन का कॉम्बिनेशन बैठा होगा, पड़ा होगा। अब वो रोज फाइलें लेके गवर्नमेंट ऑफिस में घूमता रहेगा ना कि मेरे को काम दो, मेरे को काम दो, मेरे को काम दो, मेरे को काम दो, उसको कोई काम नहीं दे। और एक अडानी जी हैं, वो जो फोन पे मांग लेते हैं या जो पेपर डाल देते हैं,
सरकार को इतना उन पर ट्रस्ट हो गया, उठा के दे देते हैं वो सारी सारी सन। क्या है? मरकरी के पीछे सन केतु बैठा है, यही मरकरी के आगे सन केतु होता ना, रगड़ ज्यादा बंदा। मतलब एक चीज बताऊं, प्लेनेट के आगे पड़ा हुआ प्लेनेट आपकी स्ट्रगल को भी रिप्रेजेंटेट है, कि आपको उस चीज को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। आज मेरे सैटर्न के आगे वीनस है, तो मेरे को कमाने के लिए, अगर मैं आज की डेट में कमा रहा हूं, इसका मतलब मैंने पास्ट में स्ट्रगल किया है। लोग 10 रुपए भी फीस नहीं देते थे कुंडली दिखाने की। मैं बोलता था मेरे से फ्री में एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो, लोग तैयार नहीं होते थे पढ़ने के लिए। पहले तू तो काबिल बन जा, मतलब ऐसी लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती थी। आज मैंने घर के बाहर 30,000 के पर्चे लगा दिए, आपसे तो 10 ही लेते हैं, मोहल्ले वाले को 30,000 से नीचे कुंडली नहीं दिखा सकता वो। आप जब उनको दिख रहा, विदेश में लोग दिखा रहे हैं कुंडलियां, घर में लाइन लगी रहती है जब ये घर पे रहता है, अब उनकी वो बढ़ती, भाई मेरी भी कुंडली देख लो, 30,000 फीस है। जब हम उस समय ज्योतिषी कर रहे थे तो बड़े प्रश्न खड़े होते थे। बात मेरी समझ पा रहे हो आप? तो जिस भी प्लेनेट के आगे जो प्लेनेट दिखेगा, उस चीज को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल रहेगा। और अगर आपने स्ट्रगल को अपने सर पे उठा लिया, तो डेफिनेटली आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। और आपने अगर उसको छोड़ दिया, मेरे से होता ही नहीं है, मेरे पास क्लाइंट आता ही नहीं है, ये नेगेटिव अगर आ गया, तो भाई आप आगे पड़े हुए प्लेनेट से कभी भी प्रॉफिट की उम्मीद तो करो ही नहीं। उसके लिए 50 बैठे हैं, तुम भी एक हो, तुम्हें पीछे पड़ना पड़ेगा। तो मोटी मोटी अगर बात बताएं, तो पीछे पड़ा हुआ प्लेनेट आपके परिवार की तरह है, आपकी फैमिली की तरह है, आपके माता पिता की तरह है। जब जो चाहोगे ले लोगे। आगे पड़े हुए प्लेनेट के लिए हर चीज के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। अगर सिस्टमेटिक चले, ऑर्गेनिक चले, कंटिन्यू चले, वो चीज डेफिनेटली प्राप्त होगी, क्योंकि प्रॉमिस तो लेके आए ही हो। तो पूर्व में बैठा हुआ प्लेनेट, पीछे पड़ा हुआ प्लेनेट इस बात को भी रिप्रेजेंटेट करता है। अगर किसी का शनि के पीछे वीनस है, इसका मतलब पूर्व जन्म से ही वो धनवान रहा है। पूर्व जन्म में उतने ऐसे डोनेशंस किए हैं कि इस जन्म में बाय बर्थ उसको लग्जरी मिल जाएगी, कंफर्ट्स मिल जाएंगी, है ना, सब प्रकार के कंफर्ट्स और लग्जरी उसको इस जीवन में मिल जाएगी। लेकिन किसी प्लेनेट के आगे पड़ा हुआ प्लेनेट का मतलब यह है कि उस चीज को अब आपको कमाना है, अर्न करना है। अर्न करने से पहले काबिल बनना पड़ता है। जब तक काबिलियत नहीं आएगी ना, वो चीज आपके पास नहीं है। बात समझ आ रही है? तो कभी किसी की पत्री देखो, कभी किसी के कॉम्बिनेशन देखो। और यही बात मैंने अभी आपको बताई थी लास्ट क्लास में, जब मैं अभी आपके इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहा था, या मैंने उसको बोनस क्लास ऑलमोस्ट बोल दिया। तो मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा था कि अश्नीर ग्रोवर के चार्ट में मरकरी के पीछे वीनस प्लस मार्स है। मतलब अगर उसको आप सही राइम करोगे तो मार्स वीनस प्लस मरकरी का कॉम्बिनेशन है। और जो पेटीएम के ऑनर है विजय शेखर शर्मा, उनके चार्ट में मरकरी प्लस वीनस प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन। भारत पे ने, अश्नीर ग्रोवर ने फर्स्ट डे से पैसा बनाना चालू कर दिया था। भारत पे से 12,000 करोड़ इन्वेस्ट करके 12,00,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। और विजय शेखर शर्मा को आज भी फंड की जरूरत है, और पेटीएम आज भी प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं है। उसको प्रॉफिटेबिलिटी में आने के लिए रगड़ लगानी पड़ेगी। आगे तक भी कमा ले बहुत बड़ी बात है उसके लिए, क्योंकि उसको अचीव करना है। और आपको पता नहीं होगा, मैं आपको अंदर की बात बताऊं, जिस दिन अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे को छोड़ा है, उसके दूसरे दिन से ही 5,000 करोड़ या 50,000 करोड़ के लॉस में आ गया भारत पे, उसी दिन से, फर्स्ट डे से। तो जिस प्लेनेट के पीछे प्लेनेट होगा ना, वो पैदा ही हुए हो लेके, और जिस प्लेनेट के आगे प्लेनेट है, उसको ताउम्र अर्जित करना है आपने, ताउम्र अर्जित करना। बात समझ आ गई मोटी मोटी? तो सबसे अच्छा रास्ता क्या है कि इनिशियल स्टेज में, सबसे छोटी स्टेज में, शैशव अवस्था में, उस चीज को डायरेक्ट ही अडॉप्ट कर लो जो आगे पड़ा है। सैटर्न के आगे मार्स, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, मतलब आप डिसाइड कर लो कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है, तो आपने उसकी पढ़ाई आपको जबरदस्ती करनी पड़ जाएगी।
मार्केटिंग आपको जबरदस्ती सीखनी, भाई वो ना चाहते हुए भी क्लास ना लेने का मन होगा तब भी टीचर डंडा लेके बैठा होगा होमवर्क कराने के लिए। बात समझ आ रही है? और पीछे वाली चीज तो आपके पास ऑलरेडी बैठी है, पड़ी है आपके पास, उसको तो जिस दिन जागोगे ऑनलाइन भी पढ़ लोगे, जिस दिन होश आएगा ऑनलाइन भी पढ़ लोगे, किसी बंदे को हायर कर लोगे उससे पढ़ लोगे। उस चीज के लिए प्रयास नहीं करना, उस वो टफ नहीं है आपके लिए। हमेशा क्या करना है, टफ चीज को पहले पकड़ लेना और उसको ऐसे पकड़ना है कि वो जबरदस्ती आपसे हो। इसलिए मर्करी के आगे मार्स हो, पहले टेक्नोलॉजी पकड़ लो, पहले डिसाइड कर लो मार्केटिंग की जॉब करनी है, टेक्नोलॉजी की जॉब करनी है। मर्करी के आगे मार्स हो, बिजनेस भी ऐसा करना जहां पे मार्स आ जाए, तो टेक्नोलॉजी अलाइन बिजनेस करना है, एनर्जी अलाइन बिजनेस करने हैं, जहां पे भी एनर्जी आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। अभी मैं बता भी दूंगा कौन कौन सी चीजें होती है, आगे आप पढ़ोगे धीरे धीरे, हर टॉपिक आएगा, करियर भी आएगा, फाइनेंस भी आएगा, बिजनेस भी आएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी पहले एक एक कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, है ना? तो पहले फाउंडेशन चीज को समझो, मजबूती क्या है। तो क्या बोला जाता है कि वीनस के आगे अगर कोई प्लेनेट हो तो उसको पहले यूटिलाइज करो। और एक बात बताएं, वीनस आपकी वाइफ भी है, मार्स आपका पति भी है, कोशिश करो वैसी रंग रूप फितरत या प्रोफेशन वाला बंदा मिल जाए आपको, और नहीं तो पूरी जिंदगी उसको सिखाने के लिए। अब मार्स के आगे सैटर्न हो, अपने पति को पूरी जिंदगी डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा, फिर भी नहीं आएगा उसको। और अगर वही सैटर्न के प्रोफेशन वाले बंदे से शादी कर लो, बात समझ आ गई, सिविल इंजीनियर हो वो, तो उसको ना चाहते हुए भी आपको जो है वो प्रकृति करवा देगी उससे, और होगा यही जिस प्लेनेट को यूटिलाइज करके चल रहे हो आप लोग अपने चार्ट में, जिस प्लेनेट को यूटिलाइज करके चल रहे हो आप लोग अपने चार्ट में। वीनस जुपिटर पे नेक्स्ट क्लास में मैंने बोल दिया था, प्रीवियस क्लास में ही, मार्स के आगे जुपिटर हो, वीनस के आगे जुपिटर हो, शादी करने से पहले अपने जीवन साथी के अंदर देख लो, वो आपसे चाहता है कि आपकी चाहता है, आपकी संपत्ति से प्रेम है कि आपसे प्रेम है, चेक कर लो, क्लियर हो जाएगा, उतना ही बहुत है। वीनस इज लव, जुपिटर इज यू, आई लव यू। केवल गुराब का फूल देख के रीछ मत जाना, ठीक है? और तब जब लड़के हो आप उसको चेक भी करो, क्योंकि वीनस जुपिटर में बहुत पंगे हैं शादी के बाद। ऐसे मत पूछो ममता अग्रवाल जी, सब आएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? ऐसे क्वेश्चन करने से कोई फायदा थोड़ी है, मत लीजिए। मैं बैठा हूँ, 24-25-30 क्लास है, एक एक चीज को ना क्लियर कराया तब मेरे को बोलना। अभी के समझो, आप लोग फ्लो खराब करते हो। मैंने लास्ट क्लास में बोल दिया था, वर्तमान में रहिए, जो चल रहा है उसी को ग्रैब करिए, भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए और भूत को छोड़ दीजिए। ऐसे बात करना है, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। पर्सनल क्वेश्चन ही लेने हैं तो अपॉइंटमेंट ले लो, पढ़ क्यों रहे हो आप? अपॉइंटमेंट में ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और नहीं तो मेरे ऊपर बिलीव करके आए हो, थोड़ा इंतजार करो, पेशेंस करो, रखो। कहने का मतलब क्या है, जो पीछे प्लेनेट है उसको बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जिस दिन ध्यान दे दोगे, जिस दिन होश में आओगे, तो कुछ भी करके वो आपको दे देगा। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बड़ी बात बताऊं, मेरे मरकरी के जस्ट पीछे है सन, उससे जस्ट पीछे है केतु, उससे जस्ट पीछे है मून। मेरे पास एस्ट्रोलॉजी की कोई डिग्री नहीं, आई हैव नो डिग्री रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। क्यों नहीं है? पढ़ा रहा हूं आपको, अच्छे से पढ़ा पा रहा हूं, विदाउट डिग्री पढ़ा रहा हूं। इवन मेरे पर प्रेशर आया कई लोगों का, मैंने एमएस एस्ट्रोलॉजी का डाल भी दिया इस बार, पर मेरे को जरूरत नहीं है। कारण क्या है? बाई बर्थ एस्ट्रोलॉजर है, वो नॉलेज लेके पैदा हुई, जस्ट पीछे है ना सन। तो अब देखो कॉम्बिनेशन कैसे काम करते हैं। मरकरी के पीछे सन, मतलब कौन सी एजुकेशन की तरफ बंदा जा सकता है, फादर से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड, वो एजुकेशन आ सकती है। अब मेरी फैमिली की भी एजुकेशन दो तीन तरह की है। मेरे बाबा जो थे, मेरे फादर जो हैं, वो एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं और कर्मकांड प्रोफेशन में भी हैं।
तो उसके पीछे केतु, वो वहां पे क्लियर कर रहा है कि एस्ट्रोलॉजी, जुपिटर आ रहा होता तो पांडित्य कर्म में लेके जाता, उसकी एजुकेशन होती मेरे पास, और उसके पीछे है मून सबकॉन्शियसली। बात समझ रहे हो, बात समझ आ रही कुछ मोटी मोटी? तो यहां पे इसको डिग्री के, मैं जिस दिन अवेयर हुआ उस दिन मेरे को एस्ट्रोलॉजी आ गई। कारण क्या है, पूर्व जन्म में पढ़ के आए थे, इस जन्म के ज्योतिषी नहीं है हम, पूर्व जन्म के। शायद आपकी तरह 40 साल की उम्र रही होगी, 50 60 साल की उम्र रही होगी, हमने ज्योतिष पढ़ना चालू किया और इस लेवल का पढ़ लिया कि उसका लाभ उस जन्म में नहीं ले पाए। तो भगवान ने कहा कि जो पढ़े हो वो चीज मिलेगी अगले जन्म में, और ये होता है। आप आज की, आपके अंतिम दिन में जो चीज आप पढ़ के पेन तोड़ के जा रहे हो वो अगले जन्म में बाय बर्थ मिल जाती है। जैसे कर्म आपको मिल जाते हैं, पूर्व जन्म के कर्म भी मिलते हैं, अच्छे खराब, संचित कर्म मिलता है, प्रारब्ध कर्म मिलता है, वैसे पूर्व की एजुकेशन भी मिल जाती है। तो जैसे अब इसमें बहुत एजेड लोग हैं, कोई 50 साल है, कोई 60 साल है, कोई 70 साल, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी तरह जब पैदा हो गए उसी दिन से एस्ट्रोलॉजर हो जाओगे। और जो यंग है वो 10-20 साल में पता नहीं क्या कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 5-6 साल अगर बहुत सीरियस होकर मेहनत कर ली। बात समझ आ रही कुछ मोटी मोटी? लेकिन अब इसी यही चार्ट में अगर मरकरी के आगे ये कॉम्बिनेशन होते तो जिस दिन मैं स्टार्ट करता उससे कम से कम 15-10-5 साल तो लग ही जाते एस्ट्रोलॉजी सीखने में, और इम्प्लीमेंट्स करने में, आपको पढ़ाने में शायद हम इतना कॉन्फिडेंट भी मेंटेन नहीं कर पाते। बात समझ पा रहे हो? तो पीछे के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसके लिए केवल अवेयर होंगे, और जो आगे के कॉम्बिनेशन होते हैं उसके पीछे पड़ जाने वो बड़ा पंगा क्रिएट करेगा। आ गई समझ में बात? समझ में आ रही बात? ठीक है। तो पीछे पड़ा हुआ प्लेनेट कितने भी बड़े कॉम्बिनेशन लेकर बैठा हो तो जस्ट बगल वाला प्लेनेट ही काम करता है। वो प्लेनेट उस पर्टिकुलर सेगमेंट में क्या भूमिका निभाएगा उसकी बात करता है, उससे फिर छोटा प्लेनेट उसकी बात करता है, उससे छोटा प्लेनेट फिर उसकी बात करता है। मतलब समझ आ रहा है? जस्ट आगे पीछे प्लेनेट की जो वैल्यू है वो कहीं नहीं। इसलिए जब आपको प्रैक्टिसिंग करनी है, मजबूती करनी है कॉम्बिनेशन पर, तो जस्ट आगे पीछे वाले प्लेनेट पर काम ज्यादा करिए, बाकी प्लेनेट को 10-15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। जब इस पे कमांड हो जाए तब आगे प्लेनेट को टच करिए, अदरवाइज मत करिए। मैं कमांड करा दूंगा, इतने मैं आपको एग्जांपल्स दे दूंगा ना हमारी मास्टर क्लास में, जिस दिन निकलोगे उसी दिन 5,000 फीस कर देना। जिस दिन यहां से निकलना, 4 क्लाइंट में वसूल करवा देंगे बीएनएन की, 6 क्लास में मास्टरी की भी फीस वसूल करवा देंगे आप, और पूरी जिंदगी ताम उम्र। मैंने एक बात बताऊं, मैं हमेशा बोलता हूं पेड़ पेड़, लोग कहते हैं ना पैसों का पेड़ लगा दिया क्या, हमने लगा दिया, विद्या पेड़ लगा देती है। जब चौग ऐसे हिला दोगे 10-20 लाख तो कम से कम बरस ही जाएगी, है ना? तो एजुकेट होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो किसी भी कॉम्बिनेशन की बात होगी कर लोगे, किसी भी कॉम्बिनेशन की बात होगी, मार्स के आगे कोई पीछे है तो उस चीज में आपकी एनर्जी है, एक्शंस हैं, वो सब मार्स है, उसके आगे पीछे जो प्लेनेट होगा आपकी एनर्जी पे को कहां पे आपको डाइवर्ट करना है, किस एनर्जी को आपको पहले लेके चलना है, किसको बाद में लेके चलना है। समझ आ गया होगा? मोटा मोटा समझ लो, पीछे पड़ा हुआ प्लेनेट के लिए अवेयर होना है, इसलिए आगे पड़े हुए प्लेनेट को पहले यूटिलाइज करो अपनी किसी भी चीज में, अपनी किसी भी चीज में आगे पड़े हुए प्लेनेट को पहले यूटिलाइज करिए, और पीछे पड़ा हुआ प्लेनेट अपने आप यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए केवल अवेयर होने की जरूरत है, उसके लिए बस सबकॉन्शियसली सोचने की जरूरत है, उसके लिए बस एक बार प्रार्थना करने की जरूरत है। जो पीछे वाला पड़ा प्लेनेट है उसके गुण आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, वो गुण है आपके अंदर ऑलरेडी, लेकिन आगे पड़े हुए प्लेनेट के गुण आपको अचीव करने हैं। और हम लोग जो कहते हैं ना अपना कर्म करते रहो बाकी भगवान के हाथ छोड़ दो, तो कर्म किस चीज में क्या करना है ये एस्ट्रोलॉजी बता देती है। आपकी वॉइस भी मरकरी है, आपका एजुकेशन भी मरकरी है, इसीलिए हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, इसकी भाषा से पता चल रहा है इसकी परिभाषा कैसी है। हम लोग कहते हैं नहीं आदमी की
एजुकेशन का पता, उसकी पढ़ाई लिखाई का पता उसकी वाणी से चल जाता है। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? क्यों है ऐसी कहावत? क्योंकि मरकरी मरकरी आपकी वॉइस को भी लेके चलता है, आपकी एजुकेशन को भी लेके चलता है, आपके बिजनेस स्किल्स को भी लेके चलता है। इसीलिए जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए हैं आज के डेट में, सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो हुए हैं, उन्होंने जो पढ़ा है उसी पे बिजनेस किया है, उसी पे बिजनेस बनाया है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा आता है तो लोगों से आइडिया लेने लग जाते हैं। जब तक अपने को तो तलाशो, आपको आपको क्या आता है उसी से रिलेटेड ही तो बिजनेस बन पाएगा ना, उसी से रिलेटेड ही तो एंटरप्रेन्योर आप बन पाओगे ना। उस जहां जो आपको आता है उसी का तो धंधा बनता है। आता का मतलब क्या है? अब आप कपड़े का काम करना चाह रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कपड़ा बिकता कहाँ पे है, मिलता कहाँ बढ़िया है, कपड़े की क्वालिटी क्या क्या होती है। अब आपको नहीं आता, डायरेक्ट धंधे में आ जाओगे तो कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा आपको। बात समझ आ गया? तो हर प्लेनेट की एक करेक्टरिस्टिक है, ये आप वीडियो देख लेना, हर प्लेनेट का मैंने आपको करेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, पीडीएफ और दे देंगे आपको नेक्स्ट क्लास से पहले। अब कोई भी आपको उसमें से कोई भी एक चीज निकालनी है तो आपको सबसे पहले आपको आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज किस प्लैनेट से देखी जाती है। मोटा मोटा बता दूं या आगे बढ़ जाऊं? कोई चाहे तो मोटा मोटा बता दे, नहीं तो आगे बढ़ जाए फिर टाइम वेस्ट क्यों करें। कोई चाहता है बता दे, पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ दे दें। बताऊं पीडीएफ आगे बता दीजिए। ओके पीडीएफ देखते हैं फिर आगे, अभी बता देंगे, अभी आगे की बात कर लेते हैं। थोड़ा पीडीएफ ले लेना, समझ आ जाएगा। चलो मोटा मोटा बता देते हैं, तो कुछ लोग हैं तो कर रहे हैं, ठीक है लिख लो, मोटा मोटा लिख लो। हम कुछ नहीं जानते मनु जी, पूर्व के वीडियोस ले लो, ठीक है। देखो जो मंगल है, पहले स्टार्ट करते हैं सन से। सन आपका फादर है, आपका पुत्र है, पहला बच्चा सन होता है, फादर सन है, फादर सन है, सन सन है, फेम सन है, फेम जो है वो भी सन है, नेम फेम, रिस्पेक्ट भी सन है, रिस्पेक्ट भी सन है, पॉलिटिक्स भी सन है, राइट आई, गवर्नमेंट, मिनिस्टर, लिखते जाओ जल्दी जल्दी, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेस्टीज, स्टेटस, घर की जो राइट विंडो होती है वो भी सन है, ये वास्तु में भी बताऊंगा, लिख लो भाई। सैंडलवुड, टीक वुड जिससे आप दांत खोदते हैं वो भी सन है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, गवर्नमेंट जॉब, सेक्रीफाइस, नॉर्मल एंगर जिसको हम लोग एटीट्यूडनल एंगर भी बोलते हैं, और एडमर्सी, बोन्स, हार्ट, करेज, ये सब सन है। अब किसी को अपने फादर के बारे में पता करना है तब भी सन को उठाना पड़ेगा, किसी को अपने बच्चे के बारे में पता करना है फर्स्ट चाइल्ड के बारे में तब भी सन को उठाना पड़ेगा, उसके आगे पीछे क्या कौन से प्लैनेट्स हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा, किसी को अपने फेम या सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में पूछना है तो भी सन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? एनर्जी भी सन है, एक्शंस भी सन है, सॉरी ये मार्स का, तो इतनी चीजें हैं। सोल पर्पस जो है वो भी सन है, आपके लाइफ का सोल पर्पस कौन है, दो चीजें और ऐड कर लो। आपके इष्ट देवता का चुनाव शनि सन से होगा, सूर्य आपका इष्ट देवता बताएगा, घर में पूजा रूम कहाँ होगा वो भी सन बताएगा,
तो इतनी चीजों में से कोई भी एक चीज के बारे में पता करना होगा तो आपको सन को उठाना पड़ेगा और सन के विद रिस्पेक्ट टू कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। बात समझ आ गई। मार्स की अगर बात करें तो सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट बोला जाता है मार्स को, रेड कलर होता है इसका। तो अगर कोई फर्स्ट हस्बैंड की बात हो रही है फीमेल के केस में तो वो भी मार्स है, बॉडी मार्स है, यंगर ब्रदर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मशीनरीज डिस्प्यूट्स एंगर ईगो पावर एक्सीडेंट्स डिफेंस पुलिस स्पोर्ट्समैन यूनियन लीडर, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, ये हम बाद में दे देंगे पीडीएफ में। ये सब मार्स है, देवर भी मंगल है, आपके एक्शंस भी मंगल है, एनर्जी भी मंगल है। तो अगर कोई अपने पति के बारे में जस्ट जिससे शादी हुई है फर्स्ट हस्बैंड उसके बारे में पता करना चाहे, सेकंड हस्बैंड होता है जुपिटर, थर्ड हस्बैंड होता है सैटर्न, उसके बारे में पता करना चाहे तो मार्स को पकड़े फर्स्ट हस्बैंड के बारे में पता करने, अपनी बॉडी के बारे में पता करना चाहे मार्स पकड़ ले। वीनस के केस में फीमेल के केस में वीनस बॉडी होता है और मेल के केस में मार्स बॉडी होता है। करेज के बारे में पता करना, एनर्जी के बारे में पता करना, मोटिवेशन के बारे में पता करना, ये सब मंगल देगा, मंगल बताएगा। अब वैसे तो एट्रीब्यूट्स लैंड भी है, बहुत चीजें हैं, बट मैं उसको ले नहीं रहा हूं। ठीक है अक्षय जी, और जो नाक के ऊपर का हिस्सा होता है वो भी मंगल ही है, इसीलिए गुस्से वाले की नाक को देख के व्यक्ति के गुस्से का एनर्जी का पता चल जाता है, नाक बता देती है, नोज बता देगा, राइट आई बता देगी। अब इसको अगर देखोगे तो फिर फेशियल एक्सप्रेशन से ही पूरा कॉम्बिनेशन रीड कर लोगे। दाहिनी आंख बता देगी सन की क्या पोजीशन है आपके चार्ट में। नाक का ऊपरी हिस्सा बता देगा मंगल की क्या पोजीशन है आपके चार्ट में, इसको फेस रीडिंग भी बोलते हैं। मेरा एक कोर्स इसका भी है बट अभी मैं नहीं ले रहा हूं उसको, बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है, 1,00,000 के ऊपर फीस लेते हैं उसको। क्या होता है, नाक की ऊपरी परत को देख के, केवल और केवल नाक की ऊपरी परत को देख के उसका कॉम्बिनेशन डिसाइड कर सकते हो, वही कॉम्बिनेशन उसके चार्ट में भी होगा। तो अगर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो और सामने वाला व्यक्ति आपके पास नहीं है, सामने नहीं है, तो उसके नाक का स्वरूप भी बता दोगे कैसी होगी उसकी नाक। नाक के भी कई प्रकार है, तोते वाली नाक, अभी उस पर कभी आएंगे तो बात करेंगे, एक आध दो क्लास भी कर देंगे आपके, डेमो क्लास कर देंगे। ठीक है, ये पीडीएफ में थोड़ा बहुत मेंशन करता हूं, देखोगे तो समझ आएगा, पर बहुत क्लियर ही मेंशन नहीं है, स्लाइटली डाली है मैंने चीज। मर्करी स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आपकी इंटेलेक्ट, यंगर सिस्टर एंड ब्रदर, मैरिटल अंकल, फादर इन लॉ, फ्रेंड्स, गर्ल फ्रेंड्स, चाहे बॉयफ्रेंड, वो भी मरकरी है, सेकंड वाइफ बुध, एजुकेशन सपोर्ट बिजनेस पार्टनर्स ट्रेड्स डिप्लोमेसी लेक्चरर साइंटिस्ट प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजर लॉयर, ये सब जो है वो मरकरी है। फोरहेड स्किन नेक सोल्जर टंग थ्रॉट, ये सब मरकरी है। वास्तु में क्या क्या होता है, बालकनी
प्लास्टर ऑफ वॉल्स, गार्डन, पार्क, ग्रीन पॉट्स, इसमें स्पीच भी, कम्युनिकेशन भी, थॉट्स भी, ट्रिक्स भी, डिप्लोमेसी भी, ये सब मर्करी है। तो किसी के घर की प्लास्टर वॉल को देख करके मर्करी के प्लेसमेंट भी पता करी जा सकती है। ये वास्तु से कॉम्बिनेशन बन जाएगा। गले को देख के फोरहेड को देख के स्किन को देख के मर्करी के कॉम्बिनेशंस निकाले जा सकते। अब उसकी पूरी अलग पढ़ाई है, ये पढ़ाई नहीं है, बाद में ये पढ़ाई भी उसमें यूज होती है। और जरूरत भी नहीं है उस पढ़ाई की, ठीक है। जुपिटर पीडीएफ अभी ऐसे नहीं मिलेगी मीनू जी, बनानी पड़ेगी मेरे को। सब सब थोड़ी दे देंगे आपको, सब झेल भी नहीं पाओगे। मैं कुछ एकदम यूनिक यूनिक चीजें लूंगा दूंगा आपको जो आपके बेहद काम की होंगी, ठीक है। जुपिटर ले लीजिए, बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। मर्करी क्या है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। जीव कारक है, नेटिव है, सेकंड हस्बैंड है, प्रीचर, मेंटर, गाइडर, टीचर, प्रेजेंटर, ट्रेनर, डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिस्पेक्ट। बॉडी में फैट कितना है, हाई कैसी है, लेफ्ट फीट कैसी है, इसको देख के जुपिटर का पता लगाया जा सकता है। ये आपके चार्ट में जुपिटर की प्लेसमेंट क्या होगी, और जैसी उसकी प्लेसमेंट होगी वैसा आपकी बॉडी में असर भी दिखेगा। पेशेंस, मैच्योरिटी, सेल्फ एस्टीम, ऑक्सीजन, ब्रीदिंग, गोल्ड, पूजा रूम, वेद, टेम्पल्स, ये सब जुपिटर। तो अगर किसी को अपने बारे में पता करना है जुपिटर, टीचिंग एबिलिटी के बारे में पता करना है जुपिटर, गाइडिंग एबिलिटी के बारे में पता करना है जुपिटर, मैच्योरिटी लेवल के बारे में पता करना है जुपिटर, वीनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, चमकीला ग्रह, पहली पत्नी शुक्र मेल के केस में, यंगर सिस्टर, डॉटर इन लॉ, लग्जरीज, प्लीजर, वेल्थ, फाइनेंस, बैंकिंग, वाइन शॉप, कैटल फील्ड, राइट साइड ऑफ चिन, इसको देख करके वीनस के प्रति कॉम्बिनेशंस कैसे हैं पता लगा दीजिए। अब वीनस की प्लेसमेंट बताएगी स्पर्म काउंट कितना है, फीमेल के लिए यूट्रस और ओवरीज भी यही होता है, चीक वीनस है, व्हीकल, हाउस, पोएट्री, लव, क्लॉथ मर्चेंट, ये सब वीनस। तो किसी भी चीज के बाद में पता करना, सेक्सुअल एबिलिटी के बारे में पता करना, फिर भी वीनस को ही पकड़ना पड़ेगा। जिनके वीनस के आगे पीछे अच्छे प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं, यहां पर वीकनेस आ जाती है।
अभी आपकी लगभग लगभग 10 या 12वीं क्लास ऐसी होगी। अब आज की डेट में जब बच्चा नहीं हो रहा होता है तो डॉक्टर्स कितनी बड़ी लिस्ट देते हैं, स्पर्म काउंट सही नहीं है, क्या नहीं सही है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। जब आपको IVF और कभी सैरोगेसी की तरफ बढ़ना पड़ता है तो कितने टेस्ट होते हैं, आप चार्ट देख के बता दोगे क्या प्रॉब्लम है, और उसमें भी 2-3 राशियों में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं उसी से बता दोगे, और फिर कह देना उसको कि जाओ चेक कराओ। अब जब वो चेक करा के आएगा तो आप पर भी बिलीव बढ़ जाएगा, एस्ट्रोलॉजी पे भी बिलीव बढ़ जाएगा। जो आप लिख के दे दोगे वही प्रॉब्लम होगी बच्चा पैदा होने में, प्रोजनी में वही प्रॉब्लम होगी जो आप लिख के दोगे। और मैंने लिख के दिए और मैंने दिए तो आप भी दे सकते हो। बात समझ आ रही है? उसकी बात अभी नहीं करेंगे, 7 से 14 क्लास के बीच में चैप्टर आ जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग। मेरे को लगता है कुछ क्लासेस ऐसी होंगी जो इस पूरे कोर्स के प्राण है, वो कहीं और मिलने वाली नहीं है शायद आपको। अब कोई बता भी दे तो यहीं का कुछ वीडियोस के हाथ भले लग गया हो, मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स ने दे दिया, बाकी लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं उन सब चीजों में। एक्यूरेसी बता दोगे, प्रोजनी होगी कि नहीं होगी, क्यों नहीं हो रही है, लोग साइंटिफिकली प्रूफ मांगते हैं ना, जो कह दोगे वही कमी होगी उसकी बॉडी में या बच्चा कंसीव होने में। अंडे नहीं बन रहे होते हैं, स्पर्म काउंट कम होता है, बहुत सारी चीजें हैं, आप सबको पता भी होगा मे बी, अगर कोई घर में ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा। ठीक है, आगे लिखिए। तो अगर किसी को अपनी मैरिज के बारे में पता करना, फर्स्ट हाउस वाइफ के बारे में पता करना, वेल्थ के बारे में पता करना, बैंकिंग के बारे में पता करना, फाइनेंस के बारे में पता करना, कंफर्ट्स के बारे में, व्हीकल के बारे में, हाउस के बारे में, लग्जरी चीजों के बारे में पता करना है तो वीनस ही बताएगा उसके बाद। और जो ब्रांड्स हुए हैं बड़े ब्रांड्स, उन्होंने कंफर्ट्स पे ही खेला है, खेला है कि नहीं खेला है? अभी आप पूमा की टी शर्ट ले आओ, बड़े ब्रांड्स की शर्ट टी शर्ट पैंट्स ले आओ, आप उनको पहन के कुछ भी कर सकते हो, इतना कंफर्ट होता है उनके कपड़ों में, उनके शेप में, उनकी चीजों में। तो ब्रांड्स हमेशा कंफर्ट्स पे खेलते हैं, लग्जरी पे खेलते हैं, परफेक्शन पे खेलते हैं। परफेक्शन भी वीनस है, आपको किस चीज में परफेक्शन है वीनस को देख के पता चलेगा। सैटर्न डार्कनेस प्लेनेट है और ऑर्बिट का सबसे बड़ा प्लेनेट है सैटर्न, इसीलिए शनि को सूर्य की परिक्रमा करने में काफी वक्त लग जाता है। ठीक है, कर्म कारक है, प्रोफेशन के बारे में पता करना है शनि, एल्डर ब्रदर, थर्ड हस्बैंड, वर्क प्रोफेशन, फीट। मैंने लास्ट क्लास में बोला था बेसिक क्लास में कि पैर को देख के पता चलेगा प्रोफेशन कैसा चल रहा है, मैं मोटा मोटा हिंट आपको भी दे दे रहा हूं। जब कोई व्यक्ति आपके सामने बैठता है ना तो कुंडली से पहले वो होता है, और जब आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप किसी की कुंडली देख रहे हो और प्लेनेट पॉजिटिव उसके चार्ट पे काम कर रहे हैं, नेगेटिव काम कर रहे हैं, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बता देगा अपने आप। और हर एक प्लेनेट का एक प्लेसमेंट है उसकी बॉडी में। अब आप कहते हो ना अच्छा ग्रह कैसे पता करे जिसकी कुंडली में अच्छा है, सेकंड्स का काम है वो पता करना, मिनट का काम नहीं है, सेकंड्स का काम। तो फीट को देख के
आर्म्स को देख के, नी को देख के, फोर लेग को देख के शनि का पता चल जाएगा चार्ट। और प्रोफेशन भी उसका कुछ ऐसे ही मिलता जुलता हो, या उसका वर्किंग फिनोमिना कुछ वैसे ही हो। शनि के पास डिसिप्लिन भी है, जस्टिस भी है, पॉवर्टी भी है। न्यायाधीश भी यही बनाता है। राहु केतु के बारे में लिख लीजिए, राहु पहले लिख लो। इनको शैडो प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, राहु क्या है? माउथ ऑफ स्नेक। तो राहु से क्या क्या पता चलता है? हार्ड वर्क का, आपकी स्पेसिफिक क्वालिटी का, आपकी डिजायर का, आपकी होप का, आपकी विश का, आपके ड्रीम का, आपके गोल का पता चलता है राहु से। और राहु क्या क्या है? माउथ है, लार्ज है, पॉन्ड है, ह्यूज जो है वो राहु है, लेक, बिग रिवर, ओशियन, ड्राइड वुड, प्लास्टिक, रबर, ये सब राहु। और केतु जो है वो टेल ऑफ स्नेक है, नर्व्स, हेयर्स, फिंगर, इन सब को देख के केतु पता चल जाता है चार्ट में। मेल जेनिटल ऑर्गन्स, ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये भी केतु ही आते हैं। मून शायद रह गया है, मून के बारे में लिख लो। आपकी मदर है, आपके इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपका कंफर्ट जोन है, आपकी जरूरतें हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, ब्लेम्स, लॉसेस, ट्रेवल्स, माइंड चेंज, एक्सपेंसेस, एडल्ट्री, कनिंगनेस, अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी, रैपिड स्पीड, ये सब जो है वो मून चंद्रमा। और ये बाई आंख का भी कारक माना जाता है। जो लेफ्ट आई होगी उससे चंद्रमा के बारे में पता चल जाएगा, क्या कॉम्बिनेशन है, किस राशि में बैठा है मून आपके चार्ट, सब पता चल जाएगा। मून फर्स्ट हाउस में हो या फोर्थ हाउस में हो या इन साइंस में हो, या मून प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में बना हो, तो ऐसा व्यक्ति कंजूस भी हो, मक्खी चूस भी हो सकता है, है नहीं भगवान ने। चलो इतनी चीजें हो गई, अब हम आपको कॉम्बिनेशन बनाना सिखाएंगे। कैसे बनता है, बनाना तो आपने अभी पता कर लिया, अब उनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, उनको काउंट कैसे करना, तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जिस प्लेनेट का कॉम्बिनेशन आपने बनाना है उसके एट्रीब्यूट पता होने चाहिए आपको सबसे पहले। एक तरफ वो प्लेनेट लिखने हैं जिनके विद रिस्पेक्ट टू कॉम्बिनेशन आप बनाने जा रहे हो, एक तरफ वो प्लेनेट लिखने हैं जिनके साथ कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हो, और उनके एट्रीब्यूट लिख लेने।
तो सबसे पहले हेडिंग मर्करी डाल दो और मर्करी के नीचे उनके एट्रीब्यूट्स लिखो, कुछ मेन मेन बता रहा हूं वही लिखना। ऐसे प्रैक्टिस करोगे आप, मैं कोशिश करूंगा ज्यादातर बताने की, बट आप भी अपनी कोशिश करना आगे की समझने की। जब तक ऐसे प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक एक प्लेनेट के मेन मेन एट्रीब्यूट्स लिखते चले जाइए और जस्ट उनके आगे कौन सा प्लेनेट है उनके एट्रीब्यूट्स लिखते चले जाइए, और ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस में कर लीजिए। आपको कॉम्बिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉम्बिनेशन आपके माइंड में घूमेंगे। तरीका बता रहा हूं आपको, और ये बेसिक क्लास में नहीं बताया था, एडवांस क्लास वालों के लिए। क्या करना है, मर्करी का कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो मर्करी के जस्ट नीचे लिख लीजिए सिस्टर ऑब्लिक डॉटर, उसके जस्ट नीचे लिख लीजिए इंटेलिजेंट। ये मैं बता रहा हूं, आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी तरफ से, मैं मेन मेन पॉइंट्स को ही लूंगा। उसके जस्ट नीचे लिखिए एजुकेशन, उसके जस्ट नीचे लिखिए नेबर, उसके जस्ट नीचे लिखिए रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स, उसके जस्ट नीचे लिखिए बिजनेस। बस इतने एट्रीब्यूट लो स्टार्ट, हो सके तो इससे भी कम ले लो, दो ले लो, तीन ले लो, चार ले लो। अब उसके आगे किसी प्लेनेट का कॉम्बिनेशन देखना है, मर्करी के जस्ट आगे कोई प्लेनेट आपको देखना है। अब सपोज आप जुपिटर बिठा दो, तो उसी के जस्ट आगे, जैसे आपने यहाँ पे मर्करी शिफ्ट किया है उसी के नीचे लगा के, उसी के जस्ट आगे बगल में जुपिटर के कॉम्बिनेशन लिखो, जुपिटर लिखो और उसके एट्रीब्यूट्स लिखो। तो सेल्फ है जुपिटर, रिलीजियस है जुपिटर, पब्लिक एक्टिविटी है जुपिटर, विंडो है, विजडम है जुपिटर, जुपिटर और गाइड है जुपिटर। इतनी चीजें जुपिटर के हाथ। अब कॉम्बिनेशन क्या बना, मर्करी प्लस जुपिटर। जुपिटर कौन है, नेटिव है, हमेशा ध्यान रखना जब आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो। तो एक को सजीव लीजिए और एक को निर्जीव लीजिए। एक को सजीव लीजिए और एक को निर्जीव लीजिए। अब जैसे जुपिटर होता है नेटिव, और जुपिटर से जस्ट पीछे कौन है, मरकरी, तो नेटिव बाय बर्थ इंटेलिजेंट होगा। जुपिटर होता है आपका सपोर्ट और मरकरी होता है आपके रिलेटिव्स, नेबर्स, इनका सपोर्ट मिलता रहेगा बाय बर्थ। हो गया, समझ आ गया। अब मर्करी होती है आपके सिस्टर या डॉटर, और जुपिटर होते हो कौन, अब जब सिस्टर डॉटर को ले लिया तो अब यहां पे सेल्फ को नहीं लेना, क्या क्या बचा, रिलीजियस बचा, पब्लिक एक्टिविटी बची, विजडम बचा और गाइडेंस बची। तो सिस्टर या डॉटर के अंदर ये गुण होंगे, कौन से, वो रिलीजियस हो सकती हैं, उनके अंदर विजडम हो सकता है, कुछ पब्लिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकती हैं, उनको गाइडिंग स्किल उनकी हो सकती है या मैनेजमेंट उनका हो सकता है। यहां पे आपने जब सेल्फ उठाया था जुपिटर का, तो फिर वहां पे सिस्टर डॉटर नहीं लेना था, जुपिटर है ना। अब मर्करी की निर्जीव चीजें लेनी थी, एक्टिविटी वाली चीजें लेनी थी, पर्सन वाली चीज नहीं लेनी थी, थिंग वाली चीज लेनी थी। तो थिंग में क्या आ रहा था, नेटिव इंटेलिजेंट हो सकता है, एजुकेटेड हो सकता है, और रिलीजियस रिलेटिव्स और नेबर्स का सपोर्ट उसको मिल सकता है, और बिजनेस स्किल्ड हो सकता है। जब ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे, मैं लिख के दे सकता हूं, एक भी कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन बना होगा। और सबसे पहले किया ऐसे ही जाता है, जो पढ़ाई होती है ना, मैं तरीके बता रहा हूं जैसे मैंने पढ़ा है, मैंने नहीं, जैसे बड़े एस्ट्रोलॉजर्स पढ़ते चले आ रहे हैं, तो मैं परंपरा कैसे होती है एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने की, वो चीज आपके सामने शेयर कर रहा हूं। पढ़ा तो कोई भी देगा, कॉम्बिनेशन कोई भी बता देगा, तरीका सबके मुंह से नहीं निकलेगा, उसी के मुंह से निकलेगा जो आपका बहुत बड़ा हित चाहता होगा। ठीक है, ये तरीके को फॉलो करना है आपने। चलो और एग्जाम्पल्स बता दें, और क्या क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं इसमें। अब यहीं पे जुपिटर प्लस मर्करी का कॉम्बिनेशन हो जाए, इसको मिस हैपनिंग योग बोलते हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी बोलता जा रहा हूं,
जब इतना तो देख ही लोगे, एडिशनल पॉइंट्स और लिखते जाओ। जब जुपिटर प्लस मर्करी का कॉम्बिनेशन होता है किसी के चार्ट में, इसको मिस हैपनिंग योग भी बोलते हैं। इसमें क्या हो सकता है, एल्डर की डेथ हो सकती है और कुछ चार्ट्स में मिल जाएगा। अब ये चीज आप कॉम्बिनेशन से नहीं निकाल पाओगे, इसलिए ये एडिशनल पॉइंट हो गए। या गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अब ये गवर्नमेंट का कोई अलाइन नहीं आ रहा बट होती है, समझ आ गया। अब सपोज मर्करी का कॉम्बिनेशन है, तो मर्करी एक तरफ आपने पॉइंट लिखे दिए हैं, वीनस के पॉइंट और लिख लो। मान लो मर्करी प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन है किसी के चार्ट में, रिपीट नहीं हो पाएगा रीमा जी, ऐसे मत करिए, ठीक है। आप एकदम चौकन्ने रहना है, एकदम चौकन्ने। बाकी वीडियो मिल जाएगा उसमें देख लेंगे, नहीं तो बस इसी भर के रहेंगे हम और कुछ हाथ नहीं लगेगा। आगे लिख लीजिए, मर्करी अगर प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन, तो मर्करी के एट्रीब्यूट्स आपने लिख लिए, वीनस के और लिख लो, मेन मेन लिख लो। तो क्या क्या हो सकता है, वीनस का वाइफ ऑब्लिक डॉटर, ये वीनस होता है, ब्यूटी एंड फाइनेंस, फाइन आर्ट्स एंड लग्जरी, ये वीनस। कॉम्बिनेशन बना है मर्करी प्लस वीनस का, तो अब इसका एक नोट पॉइंट लिख लो, मर्करी प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन जिसके भी चार्ट में होगा, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, पूरी लाइफ ऐसे लोगों को कंफर्ट और लग्जरी मिलती रहती है। ये एक हो गई, जिसके भी चार्ट में होगा उसके लिए ये बात हो गई। अब आगे की बात लिख लो, मर्करी वीनस प्लस मर्करी का अगर किसी के चार्ट में कॉम्बिनेशन हो तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ भी इशारा करता है। हेलो जी, राम बोली, मैं कौन? अरे भैया हम कॉल कर रहे हैं अभी आपको, ऐसे क्लास ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अब इसको और कैसे कर सकते हैं कॉम्बिनेशन को, मर्करी कौन होता है, सिस्टर या डॉटर, वीनस क्या होता है, फाइन आर्ट, फाइनेंस, ब्यूटी, लग्जरी। तो आपकी सिस्टर या डॉटर के अंदर ये गुण होंगे, पैसे को संभाल के रखती होंगी, सज धज के रहती होंगी, कोई फाइन आर्ट्स की शौकीन होंगी, गाना बजाना नाचना ये सब आता होगा। यस, मून भी डॉटर है, जो फर्स्ट डॉटर होती है वो मून होती है, बट डॉटर को हम लोग मर्करी और वीनस से भी लेते हैं। समझ आ रही है बात? अब अगर वीनस के विद रिस्पेक्ट टू कॉम्बिनेशन बने, तो बाय बर्थ वाइफ के अंदर, साली के अंदर, डॉटर के अंदर ये गुण होंगे, कौन से, इंटेलिजेंस के, एजुकेशन के और बिजनेस स्किल। बात समझ आ गई? मर्करी प्लस सैटर्न, मर्करी का आपने लिख लिया है, सैटर्न आपका प्रोफेशन है, उसी के नीचे प्रॉब्लम लिख लीजिए, और एल्डर सिबलिंग भी लिख लीजिए। मर्करी इज योर बिजनेस फॉर नेटिव। जब भी मर्करी प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो किसी के चार्ट में, तो दादा का बिजनेस भी संभालता है ऐसा व्यक्ति,
मर्करी इज योर एजुकेशन, शनि से रिलेटेड एजुकेशन हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो शनि प्रॉब्लम भी है, एजुकेशन में प्रॉब्लम भी रहेगी। मर्करी से रिलेटेड जो लोग हैं, नेबर रिलेटिव्स, लॉन्जिविटी को भी शनि रिप्रेजेंटेट करता है, तो लंबी उम्र होती है ऐसे लोगों को, तो घर के आसपास बूढ़े बुजुर्ग भी मिल जाएंगे बहुत ज्यादा, जिनके चार्ट में मर्करी प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि आपका क्लोज सर्कल और आपके नेबर्स मर्करी होते हैं। यस और नो भी कर दिया करो, अगर किसी के चार्ट में होते मैसेज कर दो। अब मर्करी इज योर एजुकेशन, सैटर्न की जिस भी चीज को रिप्रेजेंटेट करता है उससे रिलेटेड एजुकेशन भी हो सकती है, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट। अभी हम प्रॉपर एजुकेशन पे आएंगे तो बात करेंगे, बट मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो किसी पुराने इंस्टीट्यूट में व्यक्ति पढ़ सकता है, क्योंकि ओल्डेस्ट थिंग को भी रिप्रेजेंटेट करता है सैटर्न। प्राचीनता को भी रिप्रेजेंटेट करता है सैटर्न। नेचुरोपैथी भी सैटर्न के हाथ में है, कुछ आपको अगर पता होगा नेचुरोपैथी। सैटर्न इज योर प्रोफेशन, मर्करी इज योर एजुकेशन। जो आपकी एजुकेशन होगी वही आपका प्रोफेशन भी होगा। मर्करी सैटर्न का कॉम्बिनेशन इस बात को भी रिप्रेजेंटेट करता है, नोट पॉइंट बना के लिख लेना, कि आपके सिस्टर या डॉटर को पास्ट लाइफ में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए ये लाइफ थोड़ी सी टफ रहती है, प्रॉब्लम में रहते हैं ऐसे लोग। अभी ना तो मैं रेमेडी की बात कर रहा हूं और ना तो मैं एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं, ना तो भी मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। मैं केवल कॉम्बिनेशन को रीड कैसे करना है बेसिक लेवल पर, उसी की बात कर रहा हूं। वाय पास्ट लाइफ, सैटर्न जो है ना वो पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंटेट भी करता, भी आगे आप पढ़ोगे, पेंडिंग कर्मा को भी दिखाता है। ऐसे बनते हैं कॉम्बिनेशंस और ऐसे रीड किए जाते हैं। जब ऐसे करना आ जाएगा तब जैसे तैसे करना आ जाएगा, और ऐसे ही करना है आपको। क्या करना है, कोई कॉम्बिनेशन बनाना है, एक तरफ प्लैनेट लिखिए उसके एट्रीब्यूट लिख लीजिए, दूसरी तरफ प्लैनेट लिखिए एट्रीब्यूट लिख लीजिए, एक तरफ सजीव उठाइए एक तरफ निर्जीव उठाइए, एक तरफ सजीव उठाइए एक तरफ निर्जीव उठाइए। जो प्लेनेट के पीछे प्लेनेट होगा वो जन्म से पहले की चीजें हैं, जो प्लेनेट के आगे की चीजें हैं वो जन्म के बाद की चीजें हैं। बता दिया, अभी आपको क्लियर कर दिया। क्लास स्टार्ट होते ही आधे घंटे का जो मेरा भाषण रहा है वो इन्हीं चीजों में रहा है, समझ आ गया। तो अगर कोई सैटर्न शनि की बात हो रही है तो शनि के पीछे अगर मर्करी है तो सैटर्न क्या है, आपके एल्डर सिबलिंग्स भी हैं, तो वो भी एजुकेटेड हो सकते हैं, इंटेलिजेंट वाले हो सकते हैं, बिजनेस प्रोफाइल हो सकते हैं, हो सकते हैं। और मर्करी आपके डॉटर सिस्टर भी है, उसके आगे सैटर्न है, वो प्रोफेशनलिस्ट हो सकती हैं, वर्किंग हो सकती हैं, हो सकती हैं, किसी प्रॉब्लम में हो सकती हैं, लॉन्जिविटी अच्छी हो सकती है, हो सकती है। सिंपल,
बहुत कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे, किताबों को उठाने की कोशिश करेंगे, बुद्धि खराब करेंगे, कुछ नहीं करना। एट्रीब्यूट्स उठाइए, इंप्लीमेंट करिए, डायरेक्ट रिजल्ट लीजिए। जब इसमें पक जाना तब फिर आगे आना, तब उसकी बातें आगे होती रहेंगी धीरे धीरे। तो अभी नेक्स्ट क्लास तक का आपका टारगेट है कि एक एक कॉम्बिनेशन को खुद बनाओगे, एट्रीब्यूट लिख के, चीजें लिख के, और खुद ही प्रिडिक्शन करोगे, चाहे अच्छी हो चाहे खराब। बात समझ आ रही है? आगे लिखिए, मरकरी प्लस राहु का कॉम्बिनेशन लिख लो। तो मरकरी का तो लिख ही लिए हो अभी, अच्छा। इस क्लास, इस बैच को ज्वाइन करने से पहले आप में से कोई ऐसा है जिसने और कहीं भी बीएनएन पढ़ी हो? अगर उठाना चाहे हाथ उठा दो। बीएनएन पढ़ा हो, बीएनएन से रिलेटेड और नाम वाला कोई पढ़ा हो? नहीं पढ़ा है? अगर पढ़े हो तो अब यहां इसके बाद कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहीं केवल पढ़ रहा हो तो कहीं और पढ़ने की सोचना भी नहीं। जीत जी आपने पढ़ा है क्या? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहां से पढ़ने के बाद, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं। राहु लिख लो, पता नहीं क्या कमेंट कर दिया, मैं देख भी नहीं पाया। चलिए लिखिए राहु, राहु का लिखिए। पैटर्नल ग्रैंडफादर, इल्यूजन, न्यू बिगिनिंग, प्रॉब्लम, ये राहु के एट्रीब्यूट्स हैं। बाकी एक्सपेक्टेशन इसी में आ जाता है, ह्यूज इसी में आ जाता है, जितना बढ़ाना चाहोगे बढ़ाओगे, शॉर्ट जितना रखोगे उतना आपके लिए आसानी है। जब कोई चीज को टेस्ट करना होता है, किसी चीज को जब बड़ा मजा लेना होता है तो सिंगल सिंगल टच ही लेना चाहिए। छोला भटूरा खा लो, कढ़ी चावल खा लो, और जब पूरी थाल सजा के बैठोगे ना, तो ना तो काले जाम का टेस्ट आएगा, ना तो पापड़ का फ्लेवर आएगा, ना तो किसी का आएगा। आज एक दिन ऐसे खाओ, एक दिन ऐसे खाओ, एक दिन ऐसे खाओ, एक दिन कढ़ी चावल खाइए, एक दिन छोला चावल खाइए, एक दिन राजमा चावल खाइए, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाइए। सब एक ही दिन खाओगे उब जाओगे, है ना। इसमें क्या होगा, एजुकेशन होता है मरकरी, राहु फॉरेन को भी रिप्रेजेंटेट करता है, तो आपका एजुकेशन कहां हो सकता है, फॉरेन में। मरकरी रिलेटिव्स को, नेबर्स को रिप्रेजेंटेट करते हैं, आपके जन्म के बाद से आपके कोई पड़ोसी या कोई आपका रिलेटिव विदेश गया हो या जाएगा, ठीक है। और यही अगर मरकरी के पीछे राहु होता तो आपके जन्म से पहले वो वहां होते। दूसरी बात, मरकरी इज योर एजुकेशन, राहु सीक्रेटिव नॉलेज, तंत्र मंत्र। तो इससे रिलेटेड व्यक्ति की एजुकेशन हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, मरकरी इज इंटेलिजेंसी और राहु इज पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो ये इनके अंदर इंटेलिजेंसी हो सकती है, बिजनेस स्किल्ड हो सकते हैं, एजुकेशन अच्छी हो सकती है। हो सकती है, पढ़े लिखे हों, मरकरी से आगे चाहे राहु आए और चाहे पीछे आए, व्यक्ति पूर्व जन्म में तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व होता ही है, तभी यह कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और ऐसे लोगों के लिए जिनके मरकरी के आगे पीछे राहु हो, फॉरेन सेटल्ड ना हो, एआई पे ना हो, रोबोटिक्स पे ना हो,
और देखो राहु हर तरह की टेक्नोलॉजी है, वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी जो 10-20 साल आगे का भविष्य है वो राहु है। जो चीजें चल रही हैं वो राहु नहीं, जो चीजें आने वाली हैं वो राहु है। एडवांस टेक्नोलॉजी इज राहु। तो जो एआई में ना हो, रोबोटिक्स में ना हो, या जो एडवांस टेक्नोलॉजी में ना हो, विदेश में जाके पढ़ ना रहे हो, वो हमारा तंत्र ज्योतिष का कोर्स कर ले। ठीक है, आगे राहु अनस्पेक्टेड डेथ को भी रिप्रेजेंटेट करता है। जिसके भी जिस भी प्लेनेट के आगे राहु आएगा उस पर्सन की अनस्पेक्टेड डेथ को रिप्रेजेंटेट करेगा चार्ट में। अनस्पेक्टेड डेथ, उम्मीद नहीं होगी, आदमी खत्म। ये जरूरी नहीं, अभी कभी कभी क्या होता है, आदमी चल रहा है, फिर रहा है, मौज कर रहा है, एकदम से हेल्थ इश्यूज हो गई, एकदम से तबीयत खराब हो गई। लोग कहते नहीं है कल तक तो कुछ नहीं था बाबू जी को, आज ही तकलीफ आ गई, आज ही खत्म हो गए। अनस्पेक्टेड डेथ। अब जिसके भी साथ होगा, मरकरी के साथ है तो समझ जाओ रिलेटिव्स, नेबर्स। जुपिटर के साथ है, आप मार्स के आगे है, भाई की। अभी आगे पढ़ाऊंगा भी इस चीज। और पास्ट लाइफ को भी दिखा रहा है राहु। ठीक है, कर लोगे कॉम्बिनेशन बनाना? आ रहा है थोड़ा बहुत, नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? तंत्र मंत्र केतु से भी है, डेफिनेटली है। आगे लिखो केतु के बारे में। मरकरी का तो एट्रीब्यूट लिख ही लियो, केतु का एट्रीब्यूट और लिख लो। बता दिया है, लेकिन फिर से लिख लीजिए। मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स, स्टॉप एंड केतु, स्पिरिचुअलिटी, प्रॉब्लम्स और टेंशन, ये केतु। एक बात समझ लेना, जिस भी प्लेनेट के पीछे केतु हो, आपके जन्म के बाद उस व्यक्ति की प्रॉब्लम खत्म हो गई होगी। और जिस प्लेनेट के आगे केतु हो, आपके जन्म के बाद उस व्यक्ति की प्रॉब्लम बढ़ गई होगी, टेंशन बढ़ गई होगी। लिख लो, पीछे का प्लेनेट आपसे पहले की चीजों को दिखाता है, आगे का प्लेनेट आपके जन्म के बाद की चीजों को दिखाता है। अब कोई व्यक्ति सन वीनस का कॉम्बिनेशन लेके पैदा हुआ होगा तो उसके जन्म के बाद से उसका फादर रिच होने लगा होगा, फैमिली भी सन होता है, उसकी फैमिली राइस करने लगी होगी। और अगर कोई व्यक्ति वीनस सन का कॉम्बिनेशन लेके पैदा हुआ है तो उसके जन्म से पहले उसके फैमिली काफी अमीर और रईस रही होगी। आगे रहेगी नहीं रहेगी इस बात की प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन पीछे जरूर रही होगी। बात समझ आ रही है? ऐसे हर चीज से रिलेटेड है। प्लेनेट देखिए, प्रेडिक्शन कर दीजिए। मरकरी केतु के कॉम्बिनेशन में या तो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी या ऑकल्ट को पढ़ता है, या केतु से रिलेटेड चीजों को पढ़ता है। साइंटिस्ट भी केतु है, केतु से रिलेटेड जो चीजें हैं या तो वो पढ़ता है, या तो उसकी एजुकेशन ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है, आगे पढ़ नहीं पाता। मरकरी केतु का एक नोट पॉइंट बना के लिखो, दूसरा बच्चा होने में बहुत प्रॉब्लम होगी अगर मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में है। तो केतु से रिलेटेड जो एजुकेशन है वो व्यक्ति गेन कर सकता है। ठीक है,
कभी अगर किसी के चार्ट पे राहु का ट्रांजिट चल रहा हो और केतु पे केतु का ट्रांजिट चल रहा हो तो ध्यान रखना उस समय विपत्तियां आपके गेट पे खड़ी होती हैं, डेस्टिनी आपके बेट पे खड़ी होती, गेट पे खड़ी होती, जो आपने प्रारब्ध कर्म किए हैं पूर्व में वो आपके सामने है। सवा साल या तो बहुत अच्छे जाने वाले या तो सवा साल बहुत खराब जाने वाले। हाँ यश बोलो क्या हो गया। हाँ यश हाँ बोलो। हाँ क्या हुआ क्या हो गया हुआ क्या। तुम कार्डियोलॉजी में हो गया। हम 10-15 मिनट में आ रहे हैं ठीक है। हम आ रहे हैं तभी से होगा ठीक है। सब हो जाएगा हमारे फिर मैं क्लास को बहुत कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा किसी को हार्ट अटैक पड़ा जाना पड़ेगा बट थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और जुपिटर होता है सेल्फ ठीक है। रिलीजियस होता है आपका जो रिलीजन है या रिलीजियस जो पायर्स ये सब जुपिटर है। पब्लिक एक्टिविटी विजडम गाइडेंस जुपिटर। और वीनस के पास क्या गुण है वाइफ डॉटर ब्यूटी फाइनेंस लग्जरी फाइन आर्ट और ठीक है ये हो गया। तो व्यक्ति के अंदर खुद अगर नेटिव की बात है और जुपिटर प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन इसका मतलब क्या है। जुपिटर प्लस वीनस का मतलब क्या है व्यक्ति के अंदर ब्यूटी फाइनेंस फाइन आर्ट लग्जरी इन सब चीजों की चाह होगी। वो इच्छा करेगा वो चाहेगा क्योंकि नेटिव खुद बात समझ आ रही है। और जुपिटर प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन अगर वीनस के केस में देखा जाए वाइफ के केस में देखा जाए तो पत्नी कैसी मिलेगी धार्मिक और शादी से पहले ही धार्मिक होगी वो शादी के बाद धार्मिक नहीं है। और वीनस जुपिटर का कॉम्बिनेशन है तो शादी के बाद धार्मिक होती है पत्नी। पत्नियां बोल रहा हूं पत्नी है बेसिकली ये पुरुष वर्ग खुश हो गया समझ आ रही है बात। और गाइडर भी हो सकती हैं टीचर भी हो सकती हैं पब्लिक एक्टिविटी भी हो सकती है कब शादी से पहले ही। आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करो जिनके अंदर ये गुण हो या होगा या रहा होगा। अब अगर जुपिटर अब वीनस के आगे जुपिटर होगा तो आफ्टर मैरिज ये सब चीजें होंगी। वो पब्लिक एक्टिविटी बन सकती है गाइडेंस कर सकती है टीचर हो सकती है। बात समझ रहे हो सकता है कि आप शादी उसी से करो ये भी प्रोबेबिलिटी है लेकिन इसकी बहुत संभावना है कि शादी के बाद वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व होंगी क्योंकि वीनस के आगे जुपिटर है और यहाँ पे वीनस के पीछे जुपिटर है। और जुपिटर के केस में देखा जाए तो जुपिटर के पीछे अगर वीनस है तो बाय बर्थ ये सब चीजें हैं। आप सिल्वर स्पून गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हो और जुपिटर के आगे अगर वीनस है तो आप ऐसे हो जाओगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे लग्जरी बढ़ेगी वैसे वैसे वेल्थ बढ़ेगी वैसे वैसे कंफर्ट्स बढ़ेंगे। बात समझ आ रही है।
मोटा मोटा कुछ कॉम्बिनेशन दिमाग में घुस रहा है आप लोगों के? ऐसे ही हर कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस करनी है, मैं कराऊंगा, मैं कम कुछ नहीं तो 50-60 कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस करा दूंगा, बाकी आप भी प्रयास करते रहो, ठीक है? आपका टाइम भी हो गया है और मेरे को एक इमरजेंसी है, ठीक है? मैं नहीं जाऊंगा तो किसी की जान खतरे में, मैं सोर्स लेके पहुंचूंगा वहां पे, एडमिट कराऊंगा, ठीक है? थैंक यू।